नमस्कार, हमारे प्रतिष्ठित अतिथि अधिकारियों और छात्रों को सुबह का अद्भुत नमस्कार। आई पूर्णिमा गुप्ता, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मेंस, फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी हियर। इट इज़ रियली वंडरफुल टू विटनेस दिस अमेजिंग एंड ऑगस्ट गैदरिंग। आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू आवर फाउंडर चेयरमैन एंड चीफ एडवाइजर मेट्स डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, our esteemed chief guest for the day, Shri Lakshmi Narayan Bhalaji, chairman mates Vineet Kumar Gupta ji, our director ma'am Professor Dr. Rajini Malhotra Dhingra, Dr. Praveen Kumar Gupta, HOD Law, heads of other departments, my respected fellow faculty colleagues and dear students, hum sabhi making of the Constitution of India एक क्विक रिकाउंट पर विशिष्ट व्याख्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत के संविधान का निर्माण उस वक्त का एक महत्वपूर्ण इतिहास है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया था। इस संविधान के निर्माण में एक विशिष्ट समिति थी जिसने भारत के अलग अलग राज्यों से विभिन्न विचारों एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा की। इस समिति द्वारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा है। इस विषय पर आयोजित इस अतिथि व्याख्यान में इस समयावधि के दौरान इस संविधान के निर्माण की त्वरित संख्यावली के बारे में विस्तार में जानकारी लेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद हर कार्य की पूर्ति में सहायक होता है। माँ सरस्वती जो बुद्धि, संवेदनशीलता, ब्रह्मांडीय ज्ञान, रचनात्मकता, शिक्षा प्रबोधन, शक्ति और दिव्य ज्ञान की प्रतिनिधि है, आज माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी अतिथिगणों का से अनुग्रह करूँगी कि वो कृपया मंच पर आएं और बैठें। It is an honor for me to stand here today and offer our gratitude and felicitation to our esteemed chief guest for the day. And for that, I would like to request our chairman, sir, Dr. Nand Kishore Garji, to kindly felicitate Sri Lakshmi Narayan Bhalaji. Huge round of applause for our guest. Thank you, sir. आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद. Thank you so much. Thank you, sir. Our Department of Law owes its success to the head of Department of Law, Dr. Praveen Kumar Gupta, for his tireless efforts and leadership. Sir holds 22 years of professional and academic experience. Sir did his PhD, LLM and LLB from MD University, Rohtak, and company secretaryship from ICSI, Delhi. He has also published a book titled Communal Crimes and National Integration, a socio-legal study published by Redworthy Publications, New Delhi. I request sir to kindly deliver the introductory remarks. धन्यवाद पूर्णिमा। मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिन्हें कालांतर में लच्छु भाव, लक्खीदा एवं अनिमेश नामों से भी जाना गया, बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक तथा जुलाई 1968 से संघ के प्रचारक रहे हैं। ऐसी महान विभूति का आज हम सबके साथ, हम सबके मध्य
विराजमान होना हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं विधि विभाग का प्रमुख होने के नाते समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की तरफ से आपको हृदय से नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन परम आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, जो कि महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार एवं बद्दी हिमाचल प्रदेश स्थित महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अनेकानेक न्यासों के न्यासी समितियों के सदस्य एवं प्रकल्पों के संरक्षक हैं, साथ ही एक विलक्षण सामाजिक शैक्षिक राजनीतिक एवं संघ साहित्यिक विभूति हैं, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। हमारे संस्थान के सर्वे सर्वा आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने अनेकों बार ये बताया है कि स्वयं शिक्षक की नौकरी करने की दौड़ से स्वयं को बाहर करके अनेकानेक अन्य योग्य व्यक्तियों को रोजगार देने का एक ऐसा संकल्प लिया था जो एक छोटे से पौधे से शुरू होकर एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। विद्यार्थियों, लेकिन देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का सपना भी है, ऐसे और वट वृक्षों की आवश्यकता है तथा संस्थानों को डीजे, डांस, रैंप वॉक की अधिकता की फूहड़ संस्कृति से भी बचाना नितांत जरूरी है, ताकि ये वट वृक्ष हजारों सालों तक जिंदा रहे और नालंदा की तरह किसी विदेशी आक्रांता की कुदृष्टि इस पर ना पड़े। आदरणीय लक्षु भाऊ जी का जन्म 21 जनवरी 1945 को महाराष्ट्र के चिखली नामक स्थान में हुआ। उनकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हिंदी विशारद एवं चित्रकला सर्टिफिकेट रही है। विद्यार्थी जीवन में ही वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध रहे। प्रथम 7 वर्ष शाखा कार्य हेतु मालदा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग एवं सिक्किम में व्यतीत किए। आपातकाल में पश्चिम बंगाल में अनिमेश गुप्त इस छद्म नाम से वंदे मातरम 7 वर्ष पूर्ति उत्सव समिति का कार्य किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी देश के प्रति जो तपस्या है, वो समर्पण है, वो कितना विभत्स है। अनेक छात्र आंदोलनों में सहभागी रहे। सामाजिक कार्यों में उनकी अनवरत वृद्ध लगन तथ्यों से प्रचलित होती है कि उन्होंने 1986 से 2011 विद्या भारती के असम प्रांत में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन, 2011 से 15 हिंदुस्तान समाचार के केंद्रीय प्रभारी, 2016 से 18 कृति रूप संघ दर्शन का लेखन कार्य, 2018 मार्च से मार्च 22 तक हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेलों का दायित्व निभाया। यही नहीं, सन 2008 से 2021 के दौरान स्वदेशी जागरण मंच संघ का एक अमन्य दायित्वों का बहुत ही लगन से निर्वहन किया। आदरणीय श्री बालाजी को अनेक भाषाओं का ज्ञान है, जैसे कि मारवाड़ी, मराठी, हिंदी, बंगाली, नेपाली, असमिया, अंग्रेजी तथा संस्कृत एवं ओडिया एवं गुजराती लिपियों का उन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है, जैसे कि नेपाली सांस्कृतिक परिषद द्वारा भानुमुक्त नेपाली गोरखा मित्र तथा समरसता पुरस्कार 2019, अध्ययन एवं अनुसंधान पीठ भारत द्वारा शिक्षा विभूषण 2020 तथा कोलकाता के विचार मंच द्वारा आचार्य विष्णुकांत शास्त्री प्रतिभा सम्मान 2021। आदरणीय बालाजी द्वारा रचित कई काव्य संग्रह, गद्य संग्रह, धारावाहिक जैसे प्रकृति के पथ पर 52 भाग एवं महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के 26 भाग में गद्य पद रचना सहायक रहे हैं। आदरणीय लखीदा राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास समर्थ ट्रस्ट एवं रामायण रिसर्च काउंसिल के न्यासी हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, न्यूज एशिया, बहुभाषी स्वाद समिति मासिक पत्रिका जाह्नवी,
पाक्षिक पत्रिका चाणक्य वार्ता तथा हिंदी साहित्य भारती दिल्ली के संरक्षक हैं। आदरणीय लखिता ने अपनी पुस्तक हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन लिखी है, जो कि एक अप्रतिम एवं अतुलनीय कृति है। उन्होंने इस पुस्तक में भारत के संविधान के मौलिक चिंतन को मूल संविधान में संलग्न चित्रों के विश्लेषण के साथ बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। उन्हीं चित्रों को उनके विश्लेषण के साथ वो आज हमारे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे संविधान के निर्माण का एक पहलू अभी भी लोगों की नज़रों के सामने व्यापक रूप से नहीं आया है। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हुई कि क्या हम वर्षों की गुलामी के बाद इस संविधान को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करें, अथवा भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रवाह और भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा के ऊर्जावान तत्वों का इसमें समावेश करें। उन्होंने स्पष्ट सोचा कि भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यतामूलक इतिहास के प्रभाव को भी विभिन्न छवियों के द्वारा संविधान में स्थान मिलना चाहिए। तदनुसार उस समय के भारत के प्रख्यात चित्रकार और रेखाकार श्री नंदलाल बोस से आग्रह किया गया कि वे भारत के हजारों वर्षों की इस प्रभावी सांस्कृतिक प्रभाव को मूल संविधान में स्थान दें। तदनुसार उन्होंने अपने चित्रों के द्वारा मूल संविधान को एक जीवंत स्वरूप प्रदान किया। अगर हम उन चित्रों को देखेंगे तो वे भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो भारत के संविधान को बनाने की जो मूल भावना है वो हमें जानना क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, यदि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर वो समय दूर नहीं जब नालंदा की तरह विश्वविद्यालय जला दिए जाएंगे। इसलिए हमें पाश्चात्य संस्कृति को कम से कम रखकर, और आप सभी विद्यार्थी यहाँ क्योंकि विधि की शिक्षा लेने आए हैं, तो एक बात आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि क्या आप इधर सिर्फ मनोरंजन के लिए आए हैं या फिर अपनी साहित्यिक ज्ञान बढ़ाने या विधि की शिक्षा लेने आए हैं? यहाँ आप फ्री में कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और ना शिक्षक हम आपको फ्री में कोई मुफ्त शिक्षा देते हैं। हमें वेतन मिलता है, आपको फीस देकर यहाँ पढ़ाई मिलती है। इसलिए अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी को खूब अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कीजिए और व्यर्थ के कार्यों में समय को मत गंवाइए। आज बालाजी का हमारे सम्मुख आना इस बात का प्रमाण है, और ये समय की जरूरत है, अन्यथा इनका आना सार्थक नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनॉगरल वर्ड्स। अब मैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, मुख्य अध्यक्ष और प्रमुख सलाहकार एवं महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी के कुलाधिपति डॉक्टर नंद किशोर गरल जी को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा में एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। We welcome you, sir. आपने विस्तृत परिचय लक्ष्मी नारायण जी का सुना। अजीब भी लगा होगा कि एक व्यक्ति प्रोफेशनली कुछ नहीं करते और 55 साल से लगभग एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और लगभग पूरे देश में काम किया। संविधान इनका कोई विषय नहीं रहा। मेरे जैसे ने तो फिर भी 77 से 80 में लॉ किया था। ऐसा विषय है कि इसकी पढ़ाई के अंदर मैं समझता हूँ कोई पढ़ाई नहीं है। एक आउटलाइन सी कराई जाती है 3 साल में, इससे ज़्यादा संभव भी नहीं है। आपका तो 5 साल का कोर्स कुछ हो जाता होगा। पर तो भारत के अंदर संविधान बना कैसे, आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, अधिकांश को मालूम नहीं। हम लॉ कर लेते हैं परंतु संविधान को शायद टच भी नहीं करते। ये भी जो मूल कॉपी है इसको सुरक्षित, बहुत अधिक सुरक्षित करके रख दिया गया था अलग करके।
क्योंकि इसको नापसंद करने वाले लोग ज़्यादा थे कि भारत का संविधान ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर तो पूरा सनातन संस्कृति का प्रवाह कब से प्रारंभ हुआ है देश या इस देश में लोगों का रहना और कब तक चल रहा है वो ज़्यादा पता ना चले और केवल ये लगे कि मैकॉले के बाद अंग्रेज़ों के बाद हमने उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को समावेश करके एक संविधान का निर्माण किया जिसमें कोई अच्छे शब्द फ्रांस के पकड़ लिए कुछ अमेरिका की पकड़ लिए और एक बहुत मोटा दस्तावेज जो अदरवाइज 1935 का जो भारत के लिए जो उन्होंने सोचा था हमें एक डोमिनियन स्टेटस दे दें उसकी नकल भर ज़्यादा है। मैं कोई अवमानना की दृष्टि से नहीं कह रहा परंतु संविधान बना जितने लोग शामिल हुए बनते बनते इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए वो पूरी वो है पढ़नी चाहिए। एक एक चीज़ से आपको ज्ञान मिलेगा कि किसी प्रवृत्ति कैसी थी सोच कैसी थी व्यक्ति की। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अधिकांश लोग समझते हैं संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत से बना नहीं इसमें लगभग 450-450 लोगों का योगदान है। भाई आपको बातचीत करनी है तो बेटा बाहर जाके कर लें कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक काम है क्या। बी एन राव इत्यादि बहुत से लोगों का इसमें योगदान है परंतु उसके बावजूद भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो संविधान बना है इसका उपयोग करने वाले लोग कैसे होंगे उन पर डिपेंड करेगा भारत का भविष्य क्या होगा। लिखने मात्र से सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। लिखा तो हमारे भारत के ग्रंथों में बहुत कुछ है आदिकाल से शुरू करें ऋग्वेद से लेकर जो कुछ लिखा यदि हमने उसका 1% भी फॉलो कर लिया होता तो देश हजार साल तक गुलाम ना रहा होता। एक प्रवृत्ति है गुलामी की जो आज भी हमारे अंदर है। भीषण गर्मी 40-42-44 डिग्री का टेम्परेचर होगा फिर भी अभी काला कोटी पहनेंगे उसके ऊपर से मोटा गाउन पहनेंगे क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस ड्रेस को हमारे लिए देखे गए हमारे को जो बताया गया केवल उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी जब सब लोगों ने देखा तो सरदार पटेल भीमराव अंबेडकर इत्यादि लोग बैठे और कहा इसके अंदर भारत का ही नज़र नहीं आ रहा पूरा पढ़ जाएंगे तो आप केवल शायद एक जगह शब्द आएगा तो उसको नंदलाल बोस जी का जैसे भी बताया प्रवीण जी ने शांति निकेतन के सबसे बड़े चित्रकार थे रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत मानने वाले थे उनको इसमें जोड़ा और एक दो आंध्र प्रदेश के लोगों और हर चैप्टर को जिसमें शायद जितने भी 20-22 अध्याय हैं उसके साथ केवल रेलिवेंट होगा वो अभी लक्ष्मी नारायण जी आपको सब दिखाएंगे उसको मूल रूप से आप समझे उसके पीछे की विवरण भी अपनी सोच के हिसाब से संविधान सभा के लोग क्या सोचते थे ये लक्ष्मी नारायण जी ने एक अंदाजे से कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी है कि उनकी सोच क्या थी ताकि इसको एक रुचिकर भी बना सके और आप लोगों के सामने आएगा क्योंकि मैंने इनके ऊपर कहा कि एक बार में आप आउटलाइन करके बताएं और उसके बाद रुचि होगी तो इसको खंडों में भी हम फिर से इसकी छोटी क्लासेस भी ली जा सकती है और कुछ यूट्यूब पे लेक्चर भी हैं ऑलरेडी इसी का विस्तार से वो भी लक्ष्मी नारायण जी उसका एक लिंक वगैरह दे देंगे। मैं तो इनका स्वागत करते हुए और आप लोगों से चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा वकील बनना है अच्छे नागरिक बनना है तो अच्छे वकील बनेंगे देश को समझेंगे लोगों को न्याय दिलवाना एक बहुत बड़ा काम है एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धर्म है और जो कुछ संविधान में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनका हमने अभी लगभग 70-75 साल में कोई ज़्यादा उपयोग नहीं किया है आने वाले समय में हो उसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ता है सरकारों पर सरकारों बिल्कुल स्वच्छंद ना हो उसके लिए संविधान इस देश की एक गारंटी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उस ओर काफ़ी काम कर रहे हैं बीच बीच में उन पर भी दबाव की ज़रूरत है कि उनकी प्रायोरिटी क्या हो 3-4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग उनको करें या उन विषयों को लें जो आज 2-3% लोगों के भी नहीं है LGBT ये वो सेम सेक्स मैरिज उनको प्रायोरिटी दी जाए ये भी मीडिया तय करने लग गया कि क्या प्रायोरिटी हो तो मीडिया के ऊपर भी आप लोग सक्रिय रहें सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहें और देश के अंदर पॉजिटिविटी कैसे बढ़े
मुकदमे कैसे कम हों, आपस में कैसे सद्भाव हो, उसके लिए फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। मुकदमे अधिक इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसका मतलब हमारे मनों के अंदर महाभारत चल रही है। भाई भाई में झगड़े, सरकार के आधे झगड़े सरकार के और सरकार के नागरिकों में हैं, तो सारी किताबें, सारे कॉन्स्टिट्यूशन और सारे एक्ट रखे रह जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना बनाया, इंडियन पीनल कोड से लेके बाकी सारे मुख्य जितने भी एक्ट हैं वो 1858-59-60 से उनको आज भी ढो रहे हैं, उनकी आज रीड्राफ्टिंग की ज़रूरत है। नए समय में नए क्राइम हुए, क्राइम करने के तरीके बढ़ गए, और ये नहीं चल सकता कि हजारों गुनहगार बच जाए और एक भी बेगुनाह को गलती से सजा ना मिले। यदि इस रेशो को लेके चलेंगे तो क्रिमिनल लॉ में तो न्याय नहीं हो पाता, जो हम आप देख रहे हैं। इस शब्दों के साथ लक्ष्मीनारायण जी का मैं स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ जो भी आप देखेंगे सुनेंगे आपको लगेगा कि आपका समय उचित जगह लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बीच लक्ष्मी नारायण भाला जी आज के मुख्य अतिथि मौजूद हैं। इनके बारे में एचओडी सर ने अपने विचार आप सबके सामने साझा किए हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हें मंच पर आने का अनुग्रह करती हूँ ताकि वे अपने विचार आप सबके समक्ष रख सकें। आई रिक्वेस्ट यू सर। सब लोग देख ही रहे हैं कि मैं जब मंच पर होता हूं तो सबको मंच छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने का कारण यह है कि जो आप लोगों को देखना है वो मंच पर पीछे होता है हमारे, और इसलिए सामने आकर बैठना जरूरी है। एक श्लोक आप लोगों ने सबने सुना होगा, नहीं सुना हो तो पहली बार सुन लीजिए। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघई शक्ति कलौ युगे। चार युग हैं, उन चारों युग में किस युग में किस बात का ज़्यादा महत्व है, या कौन सी बात जनता को प्रभावित करती है, वो इसमें लिखा गया है। त्रेता युग में त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च, मंत्रों के द्वारा ही लोगों को प्रबुद्ध किया जाता था, मंत्र से ही वो उनका ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता था, और उसके कारण धर्म की रक्षा के लिए वो प्रवृत्त होते थे। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, कृतयुग में बिना ज्ञान के वो मंत्र भी नहीं समझते थे, और इसलिए मंत्र को भी समझना हो तो जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान देना जरूरी होता था। उसके बाद आया त्रेतायुग, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापर युग आया उसके बाद, द्वापर युद्ध शक्तिश्च। जो महाभारत की बात हम सुनते हैं वो द्वापर युग की घटना है। उस समय भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया कौरव और पांडवों को कि आपस में मिलजुल कर रहो, लेकिन हो नहीं पाया, और अंत में युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उस युग में युद्ध के बिना अपनी बात को स्थापित करना या धर्म को स्थापित करना ये कठिन था। लेकिन उसके बाद जब युग आया, वो युग है अभी जिस युग में हम हैं, कलयुग, कलयुग में कहा गया है कि इसमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो हम संगठित हो जाए तो ही हम अपनी बात को सही ढंग से रख सकेंगे और उसमें विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसकी परंपरा महाभारत के युद्ध के बाद लोगों को महसूस होने लगी कि वास्तव में इतना विनाश हुआ है, कितने लोग अनाथ हो गए हैं, कितने लोगों को मारा गया है, और तब कहीं जाकर धर्म स्थापित हुआ है, तो अब क्या ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस दिग्भ्रमित देश को जिन लोगों ने संगठित होने का मंत्र देना प्रारंभ किया, उनमें पहला नाम आता है भगवान महावीर का, जैन पंथ उन्होंने स्थापित किया। दूसरा नाम आता है भगवान बुद्ध का, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसमें कहा भी है कि संगम शरणम गच्छामि। और ऐसे ही और कुछ महापुरुषों के नाम जब लेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा अग्रसेन जी का।
जिन्होंने एक विशेष समाज को, व्यवसायी समाज को पूरे देश भर के, उनको संगठित होने का मंत्र दिया और उन्हीं का एक परिणाम है कि आज वो इस युग के कुछ प्रमुख लोगों में अग्रणी है। तो ऐसे इस अग्रणी नाम को लेकर धारण करके जो आप लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, ये एक मेरा सौभाग्य ही है। अब जिस बात के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो बात ऐसी है कि हम अंग्रेजों के अंतर्गत, अंग्रेजों का राज था और हम उनके गुलाम थे, पूरा देश, लेकिन पूरी तरह से गुलामी हमने स्वीकार नहीं की थी, इसलिए संघर्षरत भी थे। तो संघर्ष करते समय जो जो भी कठिनाइयाँ आती रही, जो जो भी संघर्ष के मौके आते रहे, उसका अगर हम वर्णन करने जाए तो बहुत लंबी किस्म यह है, क्योंकि पहले मुगलों से लड़ना पड़ा, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, मुगलों से कुछ हो ज़्यादा अच्छे हैं ऐसा लोगों को लगा और इसलिए उनका भी लोगों ने स्वागत किया। भारत का ये स्वभाव है, अतिथि देवो भव, कि अतिथि कोई आता है तो उसके साथ संघर्ष नहीं करना है, उसका स्वागत करना है। लेकिन अतिथि अगर दुर्भावनापूर्ण हो तो वो क्या कर सकता है, उसका नमूना मुगलों ने दिखा दिया था, बहुत अत्याचार किया था और उस अत्याचार से हमें मुक्ति मिले ऐसा प्रलोभन देते हुए अंग्रेजों ने यहाँ न्याय का राज स्थापित करने का प्रलोभन दिया और राज का न्याय का राज्य स्थापित करेंगे ये कहकर मुक्ति मिलाई मुगलों से। लेकिन उसके बाद भी उनका लक्ष्य यही था कि भारत की जो परंपरा है उस परंपरा को एक भूल जाए और हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारी ये हमारा स्वभाव उसको अपनाए। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस देश पर 1773 में जब कलकत्ता उन्होंने राजधानी बनाई, उस समय इंग्लैंड से कानून मंगवाया कि हम यहाँ राज करेंगे तो किस आधार पर करें ये जरा बताइए। तो कानून बनकर आया वहाँ से, जिसको हम जानते हैं इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तब से एक के बाद एक कानून आते रहे इंग्लैंड से, उन्हीं कानूनों के सहारे इंग्लैंड के लोग अंग्रेज वो यहाँ राज करते रहे, हमारे लोगों से ही राज करवाते थे, हमारे लोगों को अपना गुलाम बनाते थे और इस प्रकार से एक प्रशासन उन्होंने खड़ा किया। 1919 तक ये चलता रहा। 1919 के बाद जब उनको राजधानी बदलनी पड़ी कलकत्ते से बदलकर दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब हर बार इंग्लैंड से कानून मंगवाते रहे और हर बार उसी कानून के सहारे राज करें, उससे तो अच्छा है कि अब तक जितने भी कानून आए हैं उसका पुलिंदा इकट्ठा कर लिया जाए और उसका एक लिखित रूप जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। वही लिखित रूप 1935 में उन्होंने अपने संविधान के रूप में बनाया। उसके लिए सबसे पहले प्रयास उन्होंने किया था साइमन कमीशन के द्वारा उसको बनाने का, लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण भारत के नेताओं ने उस समय उसका विरोध किया। तब उन्होंने एक और चाल चली कि सबसे ईमानदार एक ऑफिसर जो थे बीएन राव, उनसे ये कहा कि ये जो संविधान हम बना चुके हैं, साइमन कमीशन ने जो हमारे सौंपा है हमारा, इसको विधिवत ये सही है, ये प्रमाणित करने के लिए जो जो भी करना है आप करिए, उसके लिए पूरे विदेश में घूमना है, बाकी संविधानों का अध्ययन करना है, वो करके इसको आप प्रमाणित कर दीजिए। वही काम उन्होंने किया बड़ा वफादारी के साथ और पूरे देश में विदेश में घूमकर उन्होंने कई प्रकार के संविधानों का अध्ययन करते हुए उसमें जो सिविली है वो दिखाने का प्रयास किया कि वहाँ के अमेरिका के संविधान में ये चीज़ है वो इसमें भी है, जापान के संविधान में ये चीज़ है वो इसमें भी है। और इस प्रकार से जब उन्होंने ये दिखा दिया तो लोगों ने कहा कि चलो अब जब बी एन राव कह रहे हैं तो इसको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन
1935 के बाद जब अंग्रेजों ने यहाँ राज करना शुरू किया, चार वर्ष बाद ही 1939 में महायुद्ध शुरू हुआ, दूसरा महायुद्ध। और उस महायुद्ध में इंग्लैंड काफ़ी उलझता गया और उलझकर ऐसी परेशानी हुई उनकी कि अपने देश को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए अपने देश को संभालने के लिए हमें अब दूसरे देशों की सत्ता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए कुछ उपाय ऐसे करेंगे कि वो हमारे अनुसार ही चलते रहें। और इसलिए ये कहा गया 1946 में, 45 तक युद्ध चला था, 46 में उन्होंने कहा कि अब आप अपना संविधान बनाइए, इसी के आधार पर 1935 से जिस संविधान के सहारे हम पूरे देश में राज कर रहे हैं, अंतरिम सरकारें बन रही है, तो उसी के सहारे अब आप भी राज करिए, हम देश छोड़कर चले जाएंगे। 20 जून 1948 को देश छोड़ेंगे, ऐसी घोषणा हुई। लेकिन इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन वो आ टपके और उन्होंने इंग्लैंड के रानी को समझाया कि हम इतने लंबे समय तक क्यों इनका बोझ ढोए, उससे पहले ही हम इनको विभाजित भी कर देंगे और इनको संविधान बनाने का कह भी देंगे। तो वो दिन 15 अगस्त ठीक होगा, तो उनसे जब पूछा गया कि 15 अगस्त क्यों, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1945 को मैंने जापान का सरेंडर करवाया है, मेरे लिए वो एक अच्छा दिन है। उसी अच्छे दिन पर दो वर्ष बाद 1947 में हम इस देश का भी विभाजन कर देंगे और एक हिस्से का संविधान जो है वो बनाने का काम इनके जिम्मे सौंप देंगे और जो दूसरा हिस्सा बनेगा पाकिस्तान, उसका संविधान वो चाहे जब बनाए न बनाए वो उनका विषय है। और उनको नेहरू की कमजोरी का पता लग गया था, तो उस नेहरू की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी इन दोनों को काम दे दिया कि नेहरू को तुम रिझाते रहो और नेहरू से जो करवाना है वो मैं करवाता रहूँगा। और इस प्रकार से इस रणनीति के तहत संविधान रचना का काम शुरू हुआ। जिस देश का अपना स्वयं का एक अक्षर का भी लिखित संविधान न हो, उस देश से छुटकारा पाने के लिए वही देश हमें कहता है कि आप लिखित संविधान बनाइए, तो एक अद्भुत बात है, ये सोचने की बात है कि अगर लिखित संविधान से ही देश चलाना हो तो आप अपने देश में लिखित संविधान क्यों नहीं बनाते हो। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन भारत से कहा कि आप लिखित संविधान बनाइए, तब हम इस देश को छोड़ देंगे और आपके हवाले सौंप देंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमें बनाना पड़ा। ये बनाने के लिए पूरे चुनकर आए हुए और नॉमिनेट किए हुए ऐसे 303 लोगों की एक सभा थी जिसको संविधान सभा कहा जाता था। उसी में नियुक्त लोग माने निर्वाचित लोग भी होते थे और इसलिए वो अंतरिम सरकार भी वही चलाते थे, तो उनके द्वारा लिखित संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जो 303 लोग थे उनमें से कई लोग इधर उधर बिखर गए और जब संविधान बनकर तैयार हुआ 24 जनवरी 1950, ये संविधान सभा का आखिरी दिन है, उस दिन संविधान सभा विसर्जित की गई, उस दिन 284 लोगों के हस्ताक्षर इस पर करवाए गए। ये वो हस्ताक्षर वाला पन्ना है जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जरा इसको जूम कर सकते हो तो इधर वाला पहला जो है ये दिखाइए जरा, ये नहीं नीचे 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 पहला ये, हाँ इसको जूम करिए। ये जो सबसे लंबी लंबा हस्ताक्षर जो है जो सीमा तोड़कर बाहर चला गया है उसको, हाँ ये इसको और दिखाइए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनका हस्ताक्षर है। जूम करिए भाई, जूम करके वो जो इधर वाला पहला नीचे का पहला, हाँ इसको और जूम कर सकते हो, दिखाइए, इतना ही होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हस्ताक्षर है बहुत लंबा था उनका और इससे ये स्पष्ट होता है कि हस्ताक्षर करने के बाद वो बाहरी फ्रेम बनाई गई है और हस्ताक्षर को सुरक्षित रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि संविधान जो हाथ से लिख कर रखा है, जिसके बारे में निर्णय हुआ था कि एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है और इसलिए ये संविधान हाथ से लिख कर रखा जाए,
तो हाथ से अच्छे हस्ताक्षर किसके हैं उसकी खोजबीन की गई, और अंग्रेजी में डॉक्टर रायजादा उनके जिम्मे काम दिया गया, और हिंदी के लिए वसंत कृष्ण वैद्य इनको खोजा गया, एक ने हिंदी में और एक ने अंग्रेजी में ये संविधान हाथ से लिखा। उसके लिए 23 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी इस प्रकार के कागज का सिलेक्शन किया गया, चारों तरफ 5-5 इंच छोड़कर जो बीच में जगह बचेगी उसमें लिखा जाएगा, ये नीति तय हुई। और 22 भागों का संविधान होने के कारण हर भाग पर पहले पृष्ठ पर 3 इंच बाय 8 इंच इतनी जगह नंदलाल बोस की जिम्मे सौंप दी गई कि आप इस चित्र इसके इस स्थान पर कोई चित्र बनाइए, कौन सा चित्र बनाना है, कैसा चित्र बनाना है, इसका विषय आपका, इसका चिंतन आप करेंगे। नंदलाल बोस ने सारा संविधान पढ़ा निश्चित रूप से, पढ़कर उन्होंने जब देखा कि इन 22 भागों के जो विषय हैं उस विषय के साथ तालमेल रखने वाला कोई चित्र होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चित्रकार को जब बताया जाता है कि भाई ये हमारा बेडरूम है यहाँ एक चित्र बनाइए, ये हमारा पूजा घर है वहाँ एक चित्र बनाइए, दोनों जगह का चित्र एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों चित्र अलग अलग होंगे। तो उसी प्रकार नंदलाल बोस ने भी पूरा संविधान पढ़ने के बाद 22 भागों पर कौन कौन से चित्र हो सकते हैं ये तय किए। उसके बाद जब उनको बताया गया कि दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान चित्र होंगे, इसलिए एक ही चित्र दो बार कोई समान रूप से आके कठिन है, इसलिए उसके सांचे बनवाए और उन सांचों को इस पर छापा, उसकी जानकारी बाद में दूंगा। छपने के बाद सबके हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर होने के बाद इसको और भी अच्छी तरह से सजाया जाए ऐसा कहा गया, तो हर जो सिग्नेचर वाले जितनी भी जगह है उसको बाउंड्री से सजाया गया है, बॉर्डर है उसको, और इस सिग्नेचर में हम देखते हैं कि ऊपर वाला पहला जो है इधर वाला, उसको जूम करिए जरा, इसको हाँ इसको जूम करिए, यहाँ हम देखेंगे तो ये संविधान हाथ से लिखे हुए संविधान का अंतिम पृष्ठ है जिसमें भारत की भाषाएं कितनी है, उस समय तक 14 भाषाएं लिपिबद्ध की गई थी, तो सूचीबद्ध की गई थी, वो 14 भाषाएं लिखी गई है भाषाओं के नाम, और नीचे से हस्ताक्षर शुरू होंगे ताकि लोगों को ये पता रहे कि हस्ताक्षर किसी ने बिना देखे किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों ने इसे देख कर ही हस्ताक्षर किया है, ये प्रमाणित होने के लिए यहीं से हस्ताक्षर शुरू करवाए गए। नेहरू जी का जो स्वभाव था उनके कारण उनको लगता था कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, इसलिए पहले आकर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, फिर 2-4 लोगों ने हस्ताक्षर किया होगा, लेकिन फिर किसी के ध्यान में आया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका हस्ताक्षर पहला होना चाहिए था, तो क्या किया जाए, तो नेहरू जी अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा कि अब जाकर आप लोग समझा दीजिए और करवा लीजिए उनका हस्ताक्षर। तो लोग उनके पास गए और उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नेहरू जी की अपनी आदत है जल्दबाजी की, तो उसी को दिखाइए जरा, वो ऊपर जो तिरछा हस्ताक्षर किया हुआ है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इन हस्ताक्षरों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू की जल्दबाजी या सत्ता लोलुपता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उदारता, उन्होंने उदार मन से भी ठीक है, इन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी, मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसी तिरछा, तो इस प्रकार से उन्होंने हस्ताक्षर किया और कुल मिलाकर 284 लोगों ने उसके बाद हस्ताक्षर किए हैं इस पर। और इसमें जो सभा थी, नीचे उतारिए, नहीं नीचे, इसको नीचे उतारिए, ऊपर जाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाइए, अरे इसके ऊपर वाला पन्ना दिखाइए, हाँ और ऊपर जाइए, ये संविधान सभा के सदस्य है, ये संविधान सभा के लोग जिन पर, हाँ और ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे इसलिए उनका इतना महत्व यहाँ दिया गया है। और ऊपर का जो चित्र है वो है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह देखने से ध्यान में आएगा
कि आज का जो खंडित भारत है जिसके लिए ये संविधान हमने बनाया है वो तो उस समय नहीं था, अखंड भारत के लिए ही संविधान बनने वाला था। और लोगों को विश्वास था कि जब महात्मा गांधी ने ये कहा है कि पहले मेरे शरीर का टुकड़ा होगा तब मैं देश का टुकड़ा होने दूंगा, मैं देश बटने नहीं दूंगा, लेकिन नेहरू के सामने उनकी भी नहीं चली और इसलिए देश बट गया। लेकिन संविधान बनाने वालों ने उससे पहले ही संविधान का जो प्रतीक चिन्ह मान लिया था वो यह था। तो अखंड भारत के साथ ये स्पष्ट होता है कि दाहिनी तरफ राइट हैंड जो ये है भारत जिसमें आज का ब्रह्म देश है या म्यांमार है वो अभी से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने उसे स्वाधीन कर दिया था तो उसको छोड़ दिया हमने, लेकिन बाकी सारा भारत वो हमारा है, यही भावना थी। और इसलिए अखंड भारत के लिए संविधान बना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे कि नंदलाल बोस ने जब इस संविधान को पढ़ने के बाद चित्रों का चयन करना शुरू किया तो भाग एक का चित्र क्या है ये जरा ऊपर जाइए आप लोग, भाग एक में आइए, एकदम ऊपर जाना होगा। मेरे ऊपर और नीचे का अर्थ समझ रहे हैं ना? हाँ, ऊपर का नीचे पर फर्स्ट स्टार्टिंग। एकदम ऊपर जाइए, हाँ, ये पहला भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। हिंदी का अनुवाद साथ साथ होता था और उसको लिखने के लिए भी जब दिया गया तो वसंत कृष्ण वैद्य ये हिंदी में पीन लेकर उससे लिखते थे और ये जो है दायजादा जी वो अंग्रेजी में लिखते थे। तो ये हिंदी का मुख्य पृष्ठ है। इसके अगले पन्ने पर हम देखेंगे तो ये संविधान सभा है, उसकी सारी कहानी जो मैंने बताई वो इसमें लिखी हुई है, इसको पुनरावृत्ति रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ संक्षिप्त में, और आगे बढ़िए। हाँ, ये हमारा भारत का प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे देश पर अंतिम राजा थे वो, जिसने पूरे देश पर शासन किया था, तो ऐसे ही हमें पूरे देश को संभालना है और पूरे देश को एक रखना है ये भावना लेकर सत्यमेव जयते ये वहाँ स्लोगन लिखा गया है। सत्यमेव जयते के सहारे हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, अपने राज्य की रक्षा करेंगे। ये कहते हुए फिर आगे भाग एक जो बनाया गया है, आगे बढ़िए और आगे, भाग एक का ये प्रतीक चिन्ह है, ये है मोहनजोदारो। एक समय की बड़ी महान संस्कृति मानी जाती थी, जब मुगलों का आक्रमण हुआ उससे पहले जैसे कई विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला उसी प्रकार मोहनजोदारो ये एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। और उस सांस्कृतिक केंद्र का प्रतीक चिन्ह ये है नंदी बैल। इसको क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि भाग एक का विषय है भारत की सीमाएं या भारत का विस्तार। तो हमारी इस भारत का विस्तार कहां तक होगा, उसकी सीमाएं क्या होगी? तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नंदलाल बोस ने यही सोचकर इस चित्र को लिया है कि देश का भले ही विभाजन हो गया हो लेकिन विभाजन होते समय भी श्री अरविंद ने ये कहा था कि मेरे जन्मदिन के दिन ही विभाजन हो रहा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये विभाजन तात्कालिक है, क्षणिक है, कुछ दिनों बाद हमें फिर से अखंड होना ही पड़ेगा क्योंकि अखंड होना ही भारत की नियति है। ये उन्होंने उस समय कहा था। उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए और संविधान सभा का एम्ब्लम इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह लिया जो पाकिस्तान आज के पाकिस्तान में है। तो ये स्पष्ट उनका संकेत है कि भले ही ये आज के पाकिस्तान में चला गया हो, राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमसे वो बिछुड़ गया हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हम उसे अपना मानते हैं और इसलिए भाग एक पर हमारी सीमाओं के बारे में बोलते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सीमाएँ सांस्कृतिक सीमाएँ हैं जो अखंड भारत की है। भाग दो पर जाएंगे हम। भाग दो का विषय है, आगे बढ़िए, भाग दो, नहीं भाग तीन आ गया है,
भाग दो, भाग दो पर जो चित्र है उस चित्र को जूम कर सकते हो तो दिखाई दे रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन गहराई से देखेंगे तो ध्यान में आता है कि ये उस समय के गुरुकुल का चित्र है। विषय क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकत्व। तो नागरिकत्व के इस विषय पर, सिटीजनशिप के विषय पर और गुरुकुल के चित्र की क्या रिलेवेंस है, इस पर हम सोचेंगे तो ध्यान में आएगा कि नागरिकत्व तो वही है जो नागरिक अपने जीवन को जीवन में निभाता है। तो जीवन में अगर इस नागरिकत्व को निभाना है, सिटीजनशिप को अगर चलाना हो ठीक ढंग से, तो उसका शिक्षित होना और संस्कारित होना जरूरी है। शिक्षा और संस्कार का सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत में सब समय गुरुकुल रहा है, भले ही उसकी और ढांचा बदलता रहा हो। आज भी इसको अगर हम गुरुकुल कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये भी एक गुरुकुल ही है आज के नए जमाने का। और गुरुकुल होने के कारण ही अभी जो इस पूरे इंस्टीट्यूट के गुरु जिनको कहा जा सकता है, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, वो आप लोगों से कह कर गए हैं कि अगर इसमें रुचि नहीं आ रही हो तो बाहर चले जाइए, लेकिन सुनना है तो रुचिपूर्ण ढंग से सुनिए, एकाग्र होकर सुनिए। तो यही गुरुकुल की परंपरा है। गुरुकुल के जो गुरु होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो सबके भले के लिए सोचते हैं और सबको हमारी परोसी हुई, हमारी दी हुई चीज़ें सही ढंग से लोगों तक पहुँचे, इसका ध्यान रखते हैं। और इसलिए जहाँ कड़ाई करनी हो, जहाँ प्रेम दर्शाना हो, वहाँ उस प्रकार का व्यवहार उनका होता है। तो इस प्रकार से गुरुकुलीन व्यवस्था, उस व्यवस्था के आधार पर हम शिक्षा का विस्तार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से नागरिकत्व की रक्षा होगी। उसके बाद अगला विषय आता है, जब नागरिक रहेगा तो उसके अपने मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए, और बिना मौलिक अधिकारों की रक्षा हुए नागरिक अच्छी तरह से अपने नागरिकत्व को भी नहीं निभा सकता। और इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार का शासन चाहिए, उस प्रकार का शासन या उस प्रकार की शासन व्यवस्था, ये होना जरूरी है। ऐसी व्यवस्था कहाँ थी, उसका कोई आदर्श उदाहरण है क्या? इस पर जब हम विचार करते हैं तो देश को स्वाधीन करते समय भी और उसके बाद भी बार बार कहा जाता है कि हमें तो राम राज्य स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि राम एक ऐसे नेता थे, ऐसे अवतार थे, ऐसे महापुरुष थे, ऐसे मर्यादा पुरुष थे कि जिन्होंने मनुष्य की मर्यादा को स्थापित करने के लिए सबके मौलिक अधिकारों का विचार किया। और जिसके मौलिक अधिकारों का जहाँ खनन हनन हो रहा है वहाँ उसका योग्य इलाज भी किया। फिर अगर बाली ने सुग्रीव के अधिकारों का हनन किया हो तो बाली को मारा है, रावण ने पूरे समाज के अधिकारों का हनन किया है तो रावण को मारा है। और ये करने के बाद राम राज्य स्थापित करने के लिए जब वो लंका विजय के बाद जा रहे हैं, उस समय का ये चित्र है, पुष्पक विमान में बैठकर और उनको अयोध्या जाने के लिए भेजा गया। तो ये पुष्पक विमान जो कि दो दिन के भीतर वहाँ पहुँचा देगा उनको, समय कम था। और भरत जो उनके भाई, उन्होंने कह रखा था कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर देरी हो जाए तो मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे, मैं समाधि ले लूँगा, जल समाधि। और इसलिए राम जी को बड़ी चिंता थी। और जब विभीषण को सत्ता सौंपी तब 2 ही दिन बाकी थे, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन में हमें जाना है। तो हनुमान जी ने उस समय कहा कि आप दोनों कंधे पर बैठ जाइए, राम और सीता, मैं पहुँचा दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लक्ष्मण का क्या होगा, लक्ष्मण को छोड़कर तो हम नहीं जाएंगे। तब फिर तुरंत विचार बना कि फिर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, तो उस समय पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई। उस विमान से, अब उस समय की टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसी थी, वो एक सोचने का विषय है, शोध का विषय है, लेकिन उस समय पुष्पक विमान जो भी रहा होगा उसका उसकी आकृति बनाकर नंदलाल बोस ने ये चित्र प्रस्तुत किया है कि राम राज्य की स्थापना करने के लिए स्वयं राम जा रहे हैं ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें जो जो भी प्रावधान है, जो जो भी अनुच्छेद है, उसका अध्ययन आप लोग करेंगे ही, लेकिन इसके पीछे की मूल भावना जो है वो यह है कि हमें इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के माध्यम से राम राज्य स्थापित करना है। इसके बाद भाग 4 में जाइए। भाग 4 का चित्र, मौलिक अधिकारों की रक्षा होने के बाद इस राज्य का प्रशासन सही ढंग से चले, इसका भी विचार होना जरूरी है। कहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा में हम
ऐसा भी न करे कि किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के कारण दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो इसलिए जो संतुलन बनाए रखना जरूरी है, तो इसके लिए नीतियाँ ठीक होनी चाहिए। तो नीति निदेशक तत्व क्या है, वो इस भाग का विषय है, और नीति निर्धारक तत्वों की सही व्याख्या ये कहाँ है। तो युद्ध भूमि में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बात बताई वो नीति निर्धारक तत्व है। गीता यानी देश प्रशासन का, किसी भी देश के प्रशासन का सही मूल्यांकन या सही निदर्शन वो गीता में है। और गीता कब कैसे निर्माण हुई उसको अगर संक्षिप्त में हम जानना चाहें तो बात यह है कि भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि आपस में शांति वार्ता हो जाए, भले ही पांडवों को 5 ही गांव मिले लेकिन युद्ध न हो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते द्वापर युद्ध शक्तिश्च, उपाय नहीं था, युद्ध करना पड़ा। लेकिन युद्ध जब करने के लिए गए तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी था, बड़ा अच्छा सैनिक था, बड़ा अच्छा सेनानायक था, तो उनको एक बार युद्ध क्षेत्र दिखा दिया जाए और फिर शंख बजाकर युद्ध शुरू किया जाए। उन दिनों युद्ध इसी प्रकार होते थे नीतियों के अनुसार। तो दोनों तरफ सैनिक खड़े हैं और युद्ध कब शुरू करना है इसका इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कृष्ण ने रथ पर बैठाकर अर्जुन को सारा रण क्षेत्र दिखाया। लौटकर आते ही उन्होंने देखा बड़ा अद्भुत दृश्य कि अर्जुन ने हथियार रख दिए हैं और कहने लगा कि अपने ही लोगों को मारकर हमें क्या करना है, क्यों इस युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए हैं, केवल सत्ता मिलेगी और क्या होगा। उन्होंने कहा कि अरे नहीं भाई, केवल सत्ता की बात नहीं है, ये अन्यायपूर्ण ढंग से सत्ता संभाल रहे हैं, वो न्यायपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, अधर्मी होकर सत्ता संभाल रहे हैं, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो बोले क्या होता है, एक एक प्रश्न पूछ रहा है, वो भी भगवान कृष्ण भी उसको एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तब वो समझ गए कि अर्जुन इसी प्रकार का विद्यार्थी रहा है कि द्रोणाचार्य उसके हर प्रश्न का उत्तर देते थे और तब वो जितना समझ गया उसके आधार पर आगे बढ़ता था। स्वयं होकर सोचने की प्रवृत्ति उसकी नहीं है, जो किसमें थी इसका अभी उनको ध्यान में आया कि जब अर्जुन को युद्ध ये उसका फाइनल एग्जामिनेशन जिसको कहा जाए कि भाई तुमको हमने सिखा तो दिया है, अब एक बार देखा जाए, ट्रायल ली जाए, तो जंगल में गए, साथ में उनके शिकारी कुत्ता था, और इधर ये सिखा रहे उसको, उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसी समय कुत्ता बड़ी अजीब स्थिति में वहाँ लौट कर आया। स्थिति क्या थी, उसके मुंह में 7-8 बाण ठूसे हुए थे। तो अर्जुन सोचने लगा कि ये कुत्ता इतना खूंखार है कि इसको कोई गले से गर्दन पकड़कर ठूस दे ये तो हो नहीं सकता, और ठूसा नहीं है, दूर से मारा है, तो दूर से मारा हुआ बाण इसको आघात न करे और खून भी न निकले ये भी हो नहीं सकता, तो ये तो एक अद्भुत बात है। उसने द्रोणाचार्य जी से पूछा कि क्या अद्भुत दृश्य देख रहे हम, बोले हाँ ये एक विशेष प्रकार का बाण है। कौन सा बाण है, बोले लक्ष्य स्पर्शी बाण है। तो ये क्या होता है, बोले लक्ष्य को स्पर्श करके रुक जाता है, मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ वो लक्ष्य भेदी बाण है, उसको भेद करके आगे निकल जाता है और ये लक्ष्य स्पर्शी है। तो बोले फिर आपने तो मुझे सिखाया नहीं, बोले मैं खुद ही नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे सिखाऊँ, तो इसका मतलब आपसे श्रेष्ठ गुरु यहाँ है और मेरे से श्रेष्ठ कोई शिष्य तैयार हो चुका है और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होंगे, तो ये तो धोखा है मेरे साथ, चलिए दिखाइए कौन है ये, उसको देखे। कुत्ते को इशारा किया, कुत्ता आगे आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहे हैं, एक झोपड़ी के सामने कुत्ते ने इशारा किया, उन्होंने आवाज लगाई, एकलव्य बाहर आया। आते ही देखा गुरुदेव स्वयं दरवाजे पर खड़े हैं, तो बड़ा प्रभावित हो गया, गदगद हो गया, अरे गुरुदेव आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। लेकिन गुरु जी तो घबराने लगे कि मैं 105 राजपुत्रों के लिए नियुक्त किया गया हूँ, इसको मैंने कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाई, फिर भी ये कह रहा है कि आप गुरुदेव हैं मेरे, अर्जुन क्या सोचेगा। तो इसलिए उन्होंने उसको डांटा, नहीं गुरुदेव मैं आपके पास गया था दीक्षा लेने शिक्षा लेने, लेकिन आपने बताया था कि 105 राजपुत्रों के लिए आप नियुक्त हैं, इसलिए बाहरी किसी व्यक्ति को आप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैंने गुरु बदला नहीं, आपकी तरफ अच्छी तरह से निहारा, आपकी मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने मैं लड़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो गुरु तो आप ही हैं मेरे।
तो मेरे बात की कहानी अलग है कि उन्होंने फिर गुरु दक्षिणा मांगी और ये कहा कि अंगूठी का उपयोग न करते हुए बाण चलाया करो, इसके बाद से अंगूठी का उपयोग नहीं करना है। लोगों ने कहना शुरू किया कि अंगूठा कटवा लिया उन्होंने, उन्होंने कोई अंगूठा नहीं कटवाया, ना ही शूर्पण था कि नाक काटी गई। नाक काटे का मतलब है कि उसको अपमानित किया। उसी तरह से अंगूठा कटवाने का मतलब है कि अंगूठे का उपयोग न करते हुए बाण चलाओ, क्योंकि उसको अर्जुन से पीछे उनको रखना था, और इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी और एकलव्य ने मान ली। तो इस प्रकार से एकलव्य और ये अर्जुन, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जरा श्रोताओं की तरफ लाइट दीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए मैं इनसे जानना चाहूँगा, कितने लोग अर्जुन बनना चाहते हैं और कितने लोग एकलव्य बनना चाहेंगे? तो जो एकलव्य बनना चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। एक, दो। और जो अर्जुन बनना चाहते हैं, हमें ना अर्जुन बनना है ना एकलव्य बनना है, हम तो अपने जो है जैसे ही बनेंगे, कुछ तो बनिए। अब दोनों का अंतर मैं बताता हूं। यहां क्लासरूम में भी जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उस समय पढ़ाते पढ़ाते जब वो देखते हैं, पढ़ाते समय आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वो जरूरी होता है। तो जब वो देखते हैं कि कुछ मोनोटोनस हो गया है, उस समय अपनी स्टाइल बदलता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में 10वें अध्याय तक अर्जुन को एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते रहे। जब उन्होंने देखा कि ये तो मोनोटोनस होता जा रहा है, बस ये प्रश्न पूछ रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ, जरा स्टाइल बदली जाए, तो उन्होंने 10वें अध्याय में स्टाइल बदली और अपना बखान करना शुरू किया। तुम जानते भी हो मुझे, मैं कौन हूँ? तो देखने लगा, कौन हो आप? मेरे सखा है कृष्ण है, केवल सखा नहीं हूँ मैं, ये हूँ जो अगर दुनिया में जो जो श्रेष्ठ है वहाँ अगर कोई श्रेष्ठता है तो उसके कारण, उसका कारण ये है कि मैं वहाँ हूँ। अमुक श्रेष्ठ है तो मैं वहाँ हूँ, अमुक श्रेष्ठ है तो मैं वहाँ हूँ। जहाँ जहाँ भी श्रेष्ठत्व तो है, यह है मतलब अच्छाई है, वो अच्छाई इसलिए है कि मैं वहाँ हूँ, तो मैं इतना विराट हूँ, इतना व्यापक हूँ। तब भी अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आपने वर्णन तो कर दिया अपना, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक आप पर क्यों भरोसा करूँ मैं? तब उन्होंने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और तब कहीं जाकर अर्जुन के मन में भक्ति जगी। उससे बड़े भक्ति नहीं थी, केवल मित्रता थी, और मित्रता का कारण एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। भक्ति जगी और हम जानते हैं कि भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय, 12वें अध्याय में उस भक्ति के कारण उसके बाद से उसके प्रश्न कम हो गए। जब भक्ति जगती है तो प्रश्न कम हो जाते हैं, और प्रश्न कम है लेकिन फिर भी आदत नहीं छूटी, क्योंकि द्रोणाचार्य का शिष्य था। द्रोणाचार्य हर समस्या का समाधान हाथों हाथ करवा देते थे, ऐसा नहीं कहते थे कि तुम सोचो खुद। एकलव्य ने वो काम किया था, मौन मूर्ति है और वो अध्ययन कर रहा है, कोई समस्या आई तो खुद खोजता था कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, खुद खोजता था। जब कुत्ता आकर भौंकने लगा तो उसने देखा कि इस कुत्ते का तो धर्म है भौंकना, ये बेचारा भौंकेगा ही, लेकिन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए इसका मुंह बंद करना है, इसको मारना तो नहीं है, मुंह बंद करना है। तो उसने एक नया आविष्कार किया, लक्ष्य को स्पर्श करने वाला बाण मैं चला दूंगा, स्पर्श करके एक एक बाण रुकेगा वहाँ और इसका मुंह बंद हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो नए नए आविष्कार कर सकता था एकलव्य, और कहे हुए अनुसार काम करता था अर्जुन। और इसके बाद भी जब उसके मन में प्रश्न होता ही था, तब अंत में भगवान कृष्ण भी उकता गए। और पूरी गीता को आप पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, केवल सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय से प्रश्न शुरू होते हैं और 18वें अध्याय में वो उकता जाते हैं, उकता कर कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे जितना बताना था मैं बता चुका हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। तब अगर एकलव्य होता तो वो क्या कहता कि आप चिंता मत करिए, मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा।
तब उसे कहा गया बस युद्ध करो और कुछ मत पूछो, और वो तब युद्ध के लिए तैयार हुआ। अब बताइए आप में से अर्जुन कितना बनना चाहते, कितने लोग बनना चाहते हैं, और एकलव्य कितना लोग, कितने लोग बनना चाहते हैं? पहले एकलव्य खाइए, एकलव्य। अच्छा हाथ नीचे करिए। अर्जुन नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, हिंदी हिंदी समझ में नहीं आ रही लगता है। क्यों? शिक्षा का सबसे जिसको कहा जाए कि पवित्र वाक्य स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है वो ये है कि द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए पर्सन इज एजुकेशन। और इसी के सहारे मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं विद्यार्थियों के सामने अपनी बात रखता हूँ कि विद्यार्थियों के मन में बीज रूप में विद्यमान है, उसको केवल वो खुद प्रकट करे। बाहर से मैं कुछ नहीं थोप सकता, थोपना भी नहीं चाहिए। उसके अंदर बीज रूप में है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन, ऑलरेडी इन ए वुमन। तो आप लोगों के अंदर वो बीज है, उस बीज को प्रस्फुटित करना है। तो आप बताइए कि आप एकलव्य को पसंद करेंगे या अर्जुन को पसंद करेंगे, एकलव्य को फॉलो करेंगे या अर्जुन को फॉलो करेंगे? अब फिर से एक बार पूछता हूँ, अर्जुन बनना चाहते हैं, हमें तो कोई बता दे उतना हम करेंगे, जरा हाथ उठाए। जो एकलव्य कर बनना चाहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, बस हमें आप बताइए हम करके दिखाइए। अभी भी विश्वास कम है, ठीक है, करके दिखाने का विश्वास लाइए तब तो इस संविधान को भी समझ पाएंगे। और करके दिखाने का अगर विश्वास ही नहीं हो तब फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ये संविधान जो है, मैं जब एक संगठन के काम में था, संगठन का नाम है हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी है कि जो भारत की 18 भाषाओं में न्यूज़ देती है, चाहे टीवी को दे, चाहे रेडियो को दे, चाहे प्रिंटिंग मीडिया को दे, प्रिंट मीडिया को दे, एकमात्र एजेंसी है। उस एजेंसी का मैं अखिल भारतीय प्रमुख था 4 वर्ष तक। आज भी वो एजेंसी चल रही है, मेरे जिम्मे वो काम नहीं है। लेकिन उन दिनों हमारे जो मैनेजर थे वो एक मोटी सी पुस्तक, यही पुस्तक जो यहाँ रखी है, वो लेकर आए और मुझे उन्होंने भेंट के रूप में दी। मैं चकित हो गया कि इतनी मोटी पुस्तक ये लेकर मैं क्या करूँगा। बोलने आप देखिए तो सही क्या है। ये बात है 2016 की। तो 2016 में मुझे ये पुस्तक उन्होंने दी। मैंने जब पन्ने पलट कर देखे तो ये तो हाथ से लिखी हुई की फोटो कॉपी है और चित्रों से सजाया भी गया है, तो क्या माजरा है। फिर इसकी सारी कहानी खोजी तो ध्यान में आया कि जो बात मैं अभी बता रहा हूँ कि ये रायजादा जी ने हाथ से लिखी हुई की फोटो कॉपी है और नंदलाल बोस ने उसको चित्रों से सजाया है। और उन चित्रों पर जब मैंने विचार करना शुरू किया, क्योंकि मैं स्वयं भी एक चित्रकार हूँ, तो चित्रों पर जब सोचना शुरू किया तो ध्यान में आया कि हर चैप्टर का जो विषय है उसके लिए मुझे स्वयं को भी पूरा अध्ययन करना पड़ा, पढ़ना पड़ा कि हर चैप्टर का जो विषय है या तो उस विषय का सोर्स या उस विषय का परिणाम, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका क्या परिणाम होगा, या तो वो दिखाया गया है या ये विषय आया कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, ये दिखाया गया है। तो ऐसे जो चित्र है इन चित्रों पर भी मैंने लिखना शुरू किया। एक पत्रिका छपी है यहाँ से दिल्ली से ही, चाणक्य वार्ता, उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हम हर 15 दिन में छापा करेंगे। हर 15 दिन में मैं एक लेख लिखता था, काफ़ी उसके लिए शोध करना पड़ता था। वो करने के बाद और पुस्तक में छपने लगी। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसको पुस्तक के रूप में छापिए क्योंकि एक नई चीज़ है, जब भारत के लोगों को पता नहीं है।
इसको पुस्तक के रूप में छापी है, लेकिन आपको तो कोई पहचानता नहीं, ना आप संविधान के ज्ञाता हैं, ना वकील है, ना कुछ है, ना किस कहीं वाइस चांसलर है, तो आपको कौन पहचानेगा। इसलिए आपकी पुस्तक में किसी नामी व्यक्ति का उसकी प्रस्तावना होनी चाहिए। तो उस समय कानून मंत्री हमारे मित्र जो थे वो थे अपने रविशंकर शुक्ल, रविशंकर प्रसाद, उनके पास गया, उनको दिखाया, पांडुलिपि देखी, उन्होंने देखकर कहा कि आपने तो बालाजी बड़ा अद्भुत काम किया है, तो मुझे क्या करना है बताइए। मैंने कहा आप इसमें प्रस्तावना लिख दीजिए। मैं ठीक है लिख दूंगा। उन्होंने डेढ़ महीने बाद प्रस्तावना लिख कर दी। पीछे दो बार उनके पीछे पढ़ना पड़ा, मुझे व्यस्त रहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोगों को दिखाना भी शुरू कर दिया कि ये देखिए संविधान, उसमें ये चित्र है, उसका ये अर्थ है। तो मैंने मित्र होने के कारण एक बार उनसे कहा कि पुस्तक छपी नहीं, उससे पहले आप उसकी सारी रहस्य जो है वो सब लोगों को बता रहे हैं, तो पहले छपने दीजिए। नहीं नहीं बोले, मैं तो आपका मार्केट तैयार कर रहा हूँ, अब ये लोगों की मैं जिज्ञासा बढ़ेगी तो आपके पुस्तक की डिमांड बढ़ेगी। मैंने कहा खैर ठीक है, डिमांड के लिए मैंने पुस्तक नहीं लिखी है, मैं तो अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए पुस्तक मैंने लिखी है। तो खैर जो भी हो, फिर लोगों ने कहा कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है इसलिए ठीक है उनकी भी प्रस्तावना, लेकिन वास्तव में उनको भी संविधान की प्रक्रिया से तो गुजरना नहीं पड़ा है, बाद की जनरेशन के लोग हैं, इससे पहले की जनरेशन का कोई होना चाहिए, और वो कौन हो सकता है। तो बताया गया है कि कानून के विद्यार्थी जिनको पढ़ते हैं वो है डॉक्टर सुभाष कश्यप, सब लोग जानते हैं ये नाम, जिनके लिए नाम नया है डॉक्टर सुभाष कश्यप, जरा हाथ उठाए। अच्छा क्यों भाई, ये नाम नया क्यों इनके लिए? बिना डॉक्टर सुभाष कश्यप का नाम लिए तो संविधान कोई पढ़ा ही नहीं सकता, उन्हीं की पुस्तकों के सहारे संविधान पढ़ाया जाता है। तो खैर जो भी हो, आज उनकी उम्र 90 के करीब है, 90 से कुछ अधिक हो गई होगी। तो आज से 5 साल पहले मैं उनके पास गया और उनको जब बताया कि मैंने सर ऐसी ऐसी पुस्तक लिखी है, तो मेरे से पूछने लगे कि संविधान पर आपने लिखा है? मैंने कहा हाँ जी। क्या लिखा है? उन्होंने कहा संविधान के चित्रों पर लिखा है। तो बड़ी सहजता से उन्होंने कहा कि संविधान के चित्रों पर, वो तो डेकोरेटिव पीस है, उस पर क्या लिखना है। और मैं तभी समझ गया कि कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई इसको छिपा कर रखने वाली बात नहीं थी, केवल यही माना गया था कि डेकोरेट करने के लिए उनसे कहा गया था नंदलाल बोस से, उन्होंने डेकोरेट किया है, उसको हमने सजा कर रख दिया है, डेकोरेशन की चीज़ उसको क्या करना है, और सजा कर रख दिया। लेकिन जब वो छपकर सामने आई, इसकी भी एक कहानी है, 1956 में, दो हाँ 1956 की बात है, उस समय पार्लियामेंट में ये विषय उठा था कि जो संविधान हम लाइब्रेरी में बंद कमरे में देखते हैं हाथ से लिख कर रखा हुआ, वो क्या है उसकी भी तो जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए, इसलिए उसको छाप कर बाहर निकाला जाए। तो कुछ प्रतियाँ छपवाई गई थी, 1000, 1200, 1500, और केवल कुछ MPs को दी गई थी, बस इतना ही था। बाद में हिंदी की भी छपी और वो भी दी गई कुछ लोगों को। तो ये जो संविधान है, इस संविधान की ये सारी जानकारी लेकर जब मैं उनके पास गया और उन्होंने जब ये कहा कि संविधान के चित्रों पर क्या लिखना है, तो डेकोरेटिव पीस है, तो मैं समझ गया कि कोई किसी का कोई षड्यंत्र नहीं था, इसको डेकोरेटिव पीस कहकर माना कर रखा गया था। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ तो एक इनके लिए भी नई चीज़ है। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि नहीं सर डेकोरेटिव पीस नहीं है, नंदलाल बोस ने बहुत सोच समझ कर एक एक चित्र अंकित किया है और हिंदी अंग्रेजी दोनों पर समान चित्र छापे हैं। अच्छा बोले क्या सोचा होगा उन्होंने, मैं खड़ा हूँ वो बैठे हैं और मैं उनको बता रहा हूँ, 2-3 बातें बताई, बड़े प्रभावित हुए। बोले अच्छा इतना गहरा उन्होंने सोचा होगा। मैंने कहा हाँ सोचा तो जरूर है, बिना सोचे कोई चित्रकार चित्र नहीं बनाता। लेकिन एक बात है, नंदलाल बोस भी आखिर मनुष्य है, मनुष्य के हाथ से गलतियाँ होती रहती है, उनके भी हाथ से एक गलती हुई है। अच्छा बोले क्या गलती हुई है? मैंने कहा भाग 12 जिसमें भारत की आंतरिक आर्थिक व्यवस्था, राज्यों के साथ केंद्र का आर्थिक लेन देन, उसमें शुचिता कैसी हो उसके लिए जो नीति नियम है वो 12वें भाग में लिखे गए हैं। और उसके लिए उन्होंने चयन तो बहुत अच्छा किया कि शुचिता हो, स्वच्छता हो आर्थिक लेन देन में, उसके लिए स्वस्तिक का चिन्ह, ये एक शुभ चिन्ह है, उसको ले लिया जाए।
और इस शुभ चिन्ह के सहारे जो अर्थ प्राप्त होगा उसके कारण जो आनंद मिलेगा, उस आनंद का प्रतीक नटराज का चित्र लिया जाए। तो नटराज का चित्र और स्वस्तिक का चित्र ये उन्होंने चयनित किया, लेकिन छापते समय दोनों में गड़बड़ी हो गई, स्वस्तिक उल्टा छप गया। और उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साँचा बनाने का काम जिसको दिया गया था उसने सीधा स्वस्तिक जो है उसी का साँचा बना दिया, और इसलिए जब उसको छापा गया तो उल्टा हो गया, इसके ध्यान में नहीं आया। और नटराज का चित्र बनाने के लिए वहाँ जगह थी 3 इंच बाय 8 इंच ऐसी फैली हुई, इन्होंने उल्टा बना दिया, ऐसे खड़ा बना दिया। अब खड़ा वहाँ पूरा दे नहीं सकते इसलिए वो कट गया। तो नटराज का खंडित होना और स्वस्तिक का उल्टा होना, ये दो गलत काम उसमें हो गए, अशुभ काम। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, कहते कि आपने संविधान देखा भी है? मैंने कहा जी बिना देखे तो मैंने लिखा नहीं है, पूरा देख कर ही लिखा है मैंने, जरा मुझे दिखाइए, इतनी बड़ी गलती कोई करेगा? मैंने कहा अभी दिखाता हूँ। तो ये चूँकि मैं अंग्रेजी वाला रेफर कर चुका था, हिंदी वाला मैंने देखा नहीं था तब तक, उनके यहाँ दोनों पड़े थे, हिंदी वाला भी अंग्रेजी वाला भी। मैंने जाकर हिंदी वाला उठाया, उठाकर खोला, मुझे भी कंफर्म होना था कि हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसा है कि नहीं, एक ही जैसा था। और वो जब उनको दिखाया तो एकदम उनके आंखें फटी की फटी रह गई, कहते हैं कि 70 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है, ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप रखिए आपकी पांडुलिपि, मैं प्रस्तावना लिख दूंगा, आप बैठिए। यानी मेरी इतनी परीक्षा लेने के बाद मुझे उन्होंने बैठने के लिए कहा, अगले दिन बुलाया 2 दिन बाद कि 2 दिन बाद आइए, मैं इसकी प्रस्तावना लिख कर दूंगा। 2 दिन बाद जब मैं गया तो उनका व्यवहार ही बदला हुआ था, जैसे ही मैंने बेल बजाई खुद आकर दरवाज़ा खोला, उन्होंने आकर मुझे ले गया, आइए 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 आइए, पहले बताइए चाय पीएंगे कॉफ़ी पियेंगे, बड़ा अच्छा स्वागत किया, बैठा कर कहा कि आपने अद्भुत काम किया है, आपकी हर बात से मैं 100% सहमत हूँ, और आपका आपकी प्रस्तावना इन्होंने कानून मंत्री ने बहुत विस्तार से लिखी है, इसलिए मुझे ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने संक्षिप्त में आपकी सारी बात लिख ली है, तो ये ले लिए इसको छापिए। तो उन्होंने संक्षिप्त में क्या लिखा, पहले तो ये लिखा है कि लक्ष्मी नारायण भाला को संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो मैं संविधान पर लिखने वाले की बिरादरी का एक मेंबर बन गया, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि अब मैं भी सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि चित्रों के साथ भी संविधान छपना चाहिए, क्योंकि चित्रों का भी एक महत्व है, उसका भी एक मैसेज है। तो ये दोनों बातें उन्होंने स्वीकार की और वो प्रस्तावना छपकर जो पुस्तक तैयार हुई है वो पुस्तक यहाँ है, हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन। और ये जब छपकर बाहर आई तो जिन्होंने भी पढ़ी उनके लिए एक नई चीज़ थी, और इसलिए कई स्थानों पर मुझे कहीं हाई कोर्ट में तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के सामने भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा, मैं जाने लगा। एक बार एक सेमिनार में वेबिनार था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने वेबिनार आयोजित किया था। वेबिनार खत्म होने के बाद जो आयोजक थे उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि आज के वेबिनार में रिटायर्ड चीफ जस्टिस RC लाहौटी वो भी थे, और वेबिनार खत्म होने के बाद उन्होंने फ़ोन करके आपको बधाई देने के लिए कहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा, स्वीकार कर लिया। नहीं बोले, उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस चित्रों के बारे में व्याख्या करते समय मैं संदर्भ के तौर पर और भी कुछ बातें बताता हूँ, तो उस पर भी वो पुस्तक लिखे, ये बात उनसे आप लोग कहिए। तो मैं सोचने लगा कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो मेरे जैसे कानून के अंधे अनपढ़ ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं और एक पुस्तक लिखूं जो उनको प्रबुद्ध करेगी। तो मैं सोचने लगा कि नंदल ये अपने RC लाहौटी जैसे व्यक्ति जिन्होंने अच्छे अच्छे कानून के सहारे और निर्णय दिए हैं, वो हत्या पर उन्होंने निर्णय दिया और कई अच्छे निर्णय दिए, तो वो कह रहे हैं कि मुझे उस पर लिखना चाहिए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर इसमें और कौन सी ऐसी बात है कि जो मैं कहता हूँ और इनको पता नहीं होगा।
तो ये ध्यान में आया कि संविधान की जन्म कथा कुछ और है जो अधूरी बताई जाती है। और वो क्या बताया जाता है कि 1935 में संविधान बना था, उसी को थोड़ा अमेंड करके हमने 1947 में, 48 में, 49 में उसको स्वीकार कर लिया। तो ये तो आधा सच है। असली सच क्या है, जो मैंने शुरू में बताया, 1773 से कानूनी पुलिंदा उसका ये संकरण है और कुछ नहीं है। तो अंग्रेजों के दिए हुए कानूनों का संकरण, उसको जितना भी इन्होंने अमेंड करने का प्रयास किया होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, कितना कर पाए होंगे। और इसलिए उन दिनों जो और भी कुछ लेखक बाहर थे लेकिन संविधान के बारे में चिंतित थे, उन्होंने कई लेख लिखे, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय भी, उस समय 30 वर्ष की उम्र थी उनकी और उत्तर प्रदेश में संघ के प्रचारक थे, लेकिन लिखने का शौक था उनको। तो उन्होंने 5 लेख लिखे और जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीयता की झलक इसमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीयता के प्रति जितनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो होने वाले लोग होते हुए भी उनका जो आधार है, आधारभूमि जो है जिसके सहारे वो बनाने जा रहे हैं, उसी में भारतीयता नहीं है और इसलिए वो कितना अमेंड कर पाएंगे, इसकी मुझे शंका है। ये उन्होंने उस समय लिखा था। और यही बात जब मैं स्थान स्थान पर, कहीं जज है, कहीं बड़े बड़े वकील हैं, वो मंच पर होते हैं और मेरा भाषण सुनते हैं, उस समय वो अपने अंत में कहते हैं कि हम जज हैं, इस संविधान को बहुत पढ़ते हैं, पूरा समझ में नहीं आता। तो आम जनता क्या समझेगी, ये पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि जब जजमेंट देने की बारी आती है, उस समय संविधान कह रहा है कि ये जजमेंट दो, मन कह रहा है कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मन के संस्कार कुछ और हैं, संविधान की बातें कुछ और हैं। तो मन नहीं कह रहा है कि ये दो, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, तो तारीख दे देते, तारीख डेट अगली डेट देखा जाए, और फिर हमारे रिटायर होने के बाद और कोई जाकर देगा तो फैसला तो देगा। तो ये जो इतने लंबित पड़े हुए कायदे, ये है केसेस, उसका एक कारण ये भी है, और भी 10 कारण होंगे, लेकिन जो जजेस ने स्वयं ने कहा कि वो भाषा भी इतनी जटिल है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी हमारे मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम न्याय तो लिख देते हैं लेकिन वो देने में हमें झिझक होती है, मन नहीं मान रहा है, और इसलिए हम उसको टाल देते हैं। तो ये जो स्थिति है आज की, इस देश को इस स्थिति से अगर उबारना हो तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को भी पढ़ना पड़ेगा, जो ये चाहते थे कि ये भारत के अनुकूल बने लेकिन नहीं बना पाए। और इसलिए भाषण में, उनके अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था कि हमने जितना प्रयास किया है इसको भारत के अनुकूल बनाने का, वो तो हमने किया है, और इसमें सहज रूप से अमेंडमेंट हो सके ऐसे भी कानून बना दिए हैं जो सहज रूप से अमेंड कर सके, लेकिन अगर ये संविधान गलत हाथों में जाएगा तो इसका दुरुपयोग भी बहुत बुरी तरह से होगा। और इसलिए भारतीय जनता का ये कर्तव्य बनता है कि संविधान सही हाथों में रहे, ऐसे ही व्यक्तियों को चयनित करे, चुनाव ऐसे व्यक्तियों का करे कि जो संविधान की भावनाओं के अनुकूल और इस संविधान को लागू करे या काम में लाए। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति उन्होंने देखी 1951 में, सबसे बड़ा अमेंडमेंट नेहरू ने करवा लिया। नेहरू की और अंबेडकर की आपस में तकरार तो थी ही, लेकिन 51 में उन्होंने एक अमेंडमेंट करवा लिया जिसमें 10 संविधान ये चैप्टर वो प्रभावित हुए, 2 परिशिष्ट वो प्रभावित हुए, और तब से डॉक्टर अंबेडकर ये बड़े दुखी होने लगे कि संविधान अभी लागू भी नहीं हुआ, पहला चुनाव भी नहीं हुआ, उससे पहले इन्होंने अपने ढंग से अमेंडमेंट करवा लिए, तो ये तो गलत हाथों में जा चुका है संविधान। और अमेंडमेंट किस लिए किए थे, ताकि दोबारा सत्ता पर आने के लिए उनके लिए अनुकूल वातावरण बन जाए, उस प्रकार के अमेंडमेंट करवा लिए थे, कांग्रेस फिर से सत्ता पर आ जाए। तो इसलिए बड़े दुखी थे, दुखी होकर उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरा बस चले तो मैं संविधान को जला दूंगा। तो लोग पूछने लगे उनसे, अरे आप संविधान के निर्माता, आप ही ने सारा करवाया, और अभी 5 साल भी नहीं बीते
और आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं बस मेरे बस चले तो मैं जला दूंगा, ऐसा क्यों? तो राज्यसभा में उनसे पंजाब के एक एमपी ने प्रश्न पूछा, सम शर्मा, कि आप भाषणों में ऐसी सब बातें बोलते हैं तो ऐसा क्यों? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जिस मंदिर को हमने भगवान की मूर्ति रखने के लिए बनाया हो उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति रखने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। ये उनका बयान है, रिकॉर्डेड है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो बात आरसी लाहौटी जी ने कही कि संविधान की जन्म कथा पर सही प्रकाश, सही ढंग से इसकी व्याख्या ये की जानी चाहिए और इसके पुनर्जन्म की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस पर फिर लिखना शुरू किया, तो उसमें भी 20 लेख बन गए। फिर उसके लिए डिमांड आई कि इसको भी पुस्तक के रूप में छापा जाए, तो वो छप गया है। एक जज ने वो पढ़कर उस पर प्रस्तावना भी लिख दी है। एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता, उन्होंने अपने मन की व्यथा ऐसी प्रकट करते थे, वो इस संविधान के उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने कहा कि हमारे मन की व्यथा का सही इलाज इसमें है, इसलिए मैं इसकी प्रस्तावना मैं लिखूँगा। उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिख दी और बहुत जल्दी वो छपने वाली है पुस्तक। तो ये मेरी अगली पुस्तक जो है वो होगी संविधान की जन्म कथा। तो खैर अब आगे बढ़े चित्रों पर या कैसे करें? अब आगे बढ़ने के लिए फिर आप लोगों को अंधेरे में जाना होगा, मुझे उजाले में रहना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लाइए भाई भाग 6 5 भाग 5 में जो एक मैंने श्लोक कहा था संगई शक्ति कलौ युगे, उसका सूत्रपात करने वाले भगवान बुद्ध वो इसमें है। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके छात्र शिष्य आए हुए हैं और इस प्रकार से सिद्धार्थ के वैराग्य से गौतम बुद्ध तक के और उनके देशाटन की सारी कहानी। विषय है संघ, अर्थात ये केंद्र, केंद्रीय सत्ता। तो केंद्र की सत्ता कैसे संचालित हो, उसके लिए क्या क्या हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, इत्यादि सारी चीज़ें, यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग है ये। 151 से लेकर 52 से, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक 100 अनुच्छेद इसमें है। इतना बड़ा संविधान का कोई और दूसरा कोई भाग नहीं है। किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, इसमें 100 अनुच्छेद हैं। और इन 100 अनुच्छेदों से बना हुआ ये जो संविधान है, भाग है, इस भाग को पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि प्रशासनिक से लेकर सारी व्यवस्थाएँ कैसी हो उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भाग 6 में जब जाएंगे हम, तो भाग 6 भी इससे थोड़ा छोटा है, इसमें 86 अनुच्छेद हैं, तो दोनों मिलकर 186 अनुच्छेद, इतना बड़ा संविधान का भाग इसके इन दो अनुच्छेद दो भागों में है। और दोनों पर चित्र किसका है, जो मंत्र मैंने बताया था शुरू में कि इस युग में संगठित रहना, तो संगठित करने वाले दो व्यक्ति, एक तो जैन संप्रदाय के माध्यम से संगठित किया वो भगवान महावीर इसके बाद वाले में है, और ये भगवान बुद्ध। इन दोनों के रास्ते पर हम चले तो हम अपने देश को विकसित कर पाएंगे, सही दिशा में ले जा पाएंगे, ये कहते हुए ये संदेश दिया गया है कि भाग 5 में तो संघीय व्यवस्था कैसी हो, इसको संघ माना जाए कि न माना जाए ये बात का विषय है, लेकिन संघ का मतलब है कि कई राज्यों का समूह है और उसको एक सूत्र में बांधने के लिए जो जो नियम चाहिए वो नियम इसमें दिए गए हैं। राज्यों की अपनी आइडेंटिटी, अपना ऑटोनोमस होना ये स्वीकार करते हुए ये संघीय व्यवस्था जिसको कहा जाए केंद्रीय व्यवस्था, उसका वर्णन इसमें है। और भाग 6 में उसी का विस्तार है, इसमें राज्य ये किस प्रकार से अपने राज्य को, विशेष रूप से राज्य पर ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें, कि अपने राज्य को किस प्रकार से संचालित करें ताकि केंद्र की जो व्यवस्था है उसमें
उसके साथ तालमेल बैठा रहे हैं और इसलिए न्यायपूर्ण ढंग से चलने के लिए जैन मत का सहारा यहाँ लिया गया है। भाग सात बहुत ही छोटा भाग है, केवल एक अनुच्छेद है इसमें, और दुर्भाग्य यह है कि वो अनुच्छेद उसके जो तीन भाग थे उसमें से भी दो भाग गायब हो गए एक अमेंडमेंट के द्वारा। और वो अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा तो फिर से एक बार लाइट दे दीजिए इधर वाला। अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ा कि पूरी शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार इस प्रकार बनी थी कि बॉम्बे स्टेट, इधर कलकत्ता, उधर मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, तो इस प्रकार से दीजिए एक बार लाइट दीजिए इधर का, तो इस प्रकार से जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इतने राज्यों में नहीं बटी थी, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में बटी थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, सीपी एंड बेरार, ये बना था, इधर में कलकत्ता बना है, इधर में दिल्ली बना है, इधर में मद्रास बना है, इस प्रकार से। तो आवाज़ उठी दक्षिण भारत से कि चेन्नई की जो भाषा है तमिल भाषा वो हमारी नहीं है, हमारी तेलुगु भाषा है, और इसलिए हमारी भाषा का राज्य अलग होना चाहिए। ये पहली डिमांड वहाँ से उठी, उसके लिए बड़ी आवाज़ उठी, लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, और अंत में भारत सरकार को झुकना पड़ा। भाई ठीक है, संविधान में भाषा के अनुसार राज्य रचना नहीं है, प्रशासनिक राज व्यवस्था है, लेकिन जब यहाँ माना जा कहा जा रहा है कि भाषा के अनुसार होने में सुविधा होगी तो ठीक है मान लिया जाए, और इसलिए भाषावार प्रांत रचना 1956 में स्वीकार कर ली गई। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की उपस्थिति में ही, उनके रहते ही ये जब स्वीकार कर ली गई तो उसकी फिर हवा चली कि अगर आंध्र अलग हो सकता है तो तेलुगु भाषा के कारण, तो फिर मलयालम भाषा के कारण केरल भी अलग हो जाए, केरल अलग हो गया, फिर कन्नड़ भाषा के कारण कर्नाटक अलग हो गया, वही हवा ऊपर आई तो महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया, फिर और ऊपर आई तो पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, फिर दक्षिण भारत की तरफ गई तब ये आया कि चलो एक ही भाषा के हो भले ही, लेकिन फिर भी पहाड़ी और बिना पहाड़ के, इसलिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, फिर और उधर गए तो दक्षिण उत्तर पूर्वोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए, और इस प्रकार से कुछ भाषा के अनुसार कुछ अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन पुनर्गठन होने लगा। तो यहाँ जो सूची थी वो निरस्त हो गई, इसलिए सातवां भाग भले ही नाम के वास्ते है लेकिन एक प्रकार से पूरी तरह से निरस्त हो चुका है, क्योंकि राज्यों की सूची अलग से बन गई और वो परिशिष्टों में जाकर लिखी गई है। तो यहाँ फिर अब क्या रहा, केवल ये चित्र रहा है, और चित्र क्या कहता है, चित्र में हम देखेंगे जरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूर से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चित्रकार के नाते मैंने जब गहराई से देखा तो ध्यान में आया कि मौर्यकालीन संपन्नता को दर्शाया गया है, जिसको भारत का सुवर्ण काल कहते हैं, और इसलिए सुनहरी शाही से उसको अंकित किया है। सुनहरी शाही होने के कारण वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाई, तो सुनहरी शाही का उपयोग करते हुए उसको अंकित किया है, और ये दिखाया गया है कि वहाँ चाहे महिला हो पुरुष हो सब गहनों से लदे हुए हैं, सबके गहने हैं, पुरुष काम में मग्न है, स्त्रियाँ भी अपने काम कर रही हैं, लेकिन उनके ऊर्ध्व वस्त्र नहीं है। तो उनको इस रूप में देखते हुए भी मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर कोई विकार नहीं है, वो अपने काम में मग्न है, ये इसमें दर्शाया गया है कि निर्विकार होकर वो काम कर रहा है और मुक्त होकर महिलाएं भी विचरण कर रही हैं, और दोनों भी गहनों से लदे हैं, सोना पर्याप्त है, संपन्नता है। तो ये जो स्थिति है ये हर राज्य में बने, इस प्रकार की राज्य रचना हो कि चाहे वो भले अब बदलकर प्रांत रचना, भाषावार प्रांत रचना हो गई हो, लेकिन प्रांतों की रचना का मूल आधार ये होना चाहिए कि वहाँ निर्भयता हो, संपन्नता हो। आगे बढ़िए भाग 8। इसको देखते ही आप जरा बताइए क्या है,
देखकर बताइए क्या है। मैंने सीधी सी बात दिखते है ना, बोलिए, कोई तो बोलिए। आप लोगों को इंट्रैक्शन की आवश्यकता ये नहीं महसूस होती क्या? मेरे साथ वार्तालाप करिए जरा, बोलिए चित्र किसका दिखता है? हाँ, क्या जोर से बोलिए जरा, कुबेर। ओहो, नीचे लिख रखा है शायद। गड़बड़ हो गई, लेकिन इसको जो भी देखता है कहता है हनुमान जी। मैंने भी हनुमान जी के रूप में देखना शुरू किया और देखकर मुझे लगा कि हनुमान जी है तो गदा क्यों नहीं हाथ में। मैं खैर कोई बात नहीं, गदा नीचे रखती होगी, लेकिन हनुमान जी है तो धूम क्यों नहीं है? इसलिए फिर मैंने खोजबीन शुरू की, ये तो हनुमान जी तो नहीं है। और सूची में जो लिखा है वो केवल इतना ही लिखा है कि दक्षिण भारत के किसी कलाकार के द्वारा बनाई गई कृति, बस इतना ही लिखा है। तो फिर पूरा खोजना पड़ा मुझे कि ये चित्र कहाँ से आ रहा है, उस दक्षिण भारत के उस कलाकार ने ये चित्र क्या क्या किस आधार पर बनाया। तो उसमें कहीं मिला मिल गया मुझे कि ये कुबेर का चित्र है, कुबेर छलांग लगा रहे हैं। तो फिर कुबेर का जीवन चरित्र पढ़ा, भाई कुबेर को छलांग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, हनुमान जी थे छलांग लगाने के लिए। तो कुबेर हनुमान के भक्त और हनुमान जी कुबेर के भक्त, दोनों एक दूसरे के मित्र। और हनुमान जी का छलांग लगाना या रिस्क लेना, ये जो है इनको बड़ा भाता था, अच्छा लगता था कि बड़ा रिस्क लेकर काम करता है ये। तो इसलिए उन्होंने उसको गदा भी भेंट कर दी, उस गदा के कारण उनके अंदर और भी पराक्रम आया। तो गदा भेंट करने वाले कुबेर और हनुमान के जैसे छलांग लगाने की आवश्यकता है, तब यहाँ देश में आर्थिक क्रांति आ सकती है, इसका संदेश देने वाले नंदलाल बोस। बड़े सोच समझ कर उन्होंने इस चित्र का चयन किया है कि इस देश को अगर आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना है तो छलांग लगानी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। और वही रिस्क नोटबंदी के कारण हम कह सकते हैं कि इस वर्तमान सरकार ने ली, इसी चित्र को देखकर ली होगी कि जब कुबेर छलांग लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगाएं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भी इस देश को अगर कोई आर्थिक संपूर्णता की तरफ ले जाना हो तो रिस्क लेनी पड़ेगी। केवल धीरे धीरे चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, और इसलिए इस प्रकार की रिस्क लेने की टेंडेंसी ये कुबेर के इस चित्र के माध्यम से हमें संदेश देती है। इसके बाद का देखिए, आगे बढ़िए। पंचायती राज नगर पालिकाएँ, जब हम आर्थिक दृष्टि से रिस्क लेंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से भी ठीक रहना जरूरी है, नहीं तो आर्थिक रिस्क जो है वो फिर गड़बड़ा जाएगी। और इसलिए प्रशासनिक रिस्क क्या है, प्रशासनिक क्या है, दूरी कितनी है, तो इंटीरियर तक पंचायत से लेकर तो नगर पालिका तक सब जगह किस प्रकार से प्रशासन चले उसकी नीति नियमावली वो इसमें दी गई है कि हम संपन्न तो हो जाएंगे लेकिन अगर प्रशासन ठीक नहीं रहे और उसका डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, सब केवल केंद्र के हाथ में रहे, तो भी मामला गड़बड़ है। और इसलिए केंद्र को छूट देनी चाहिए राज्य और पंचायत और नगर पालिकाओं तक। तो इस प्रकार का संदेश इसके माध्यम से गया है, और इसी संदेश का सही उत्तर या सही प्रदर्शन ये कहाँ हुआ है, तो विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिनके दरबार में न्याय ही मिलता था, और इसलिए उनके सिंहासन के बारे में कहा जाता था कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो न्याय ही देगा, अन्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है। तो इसलिए चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायती राज हो, वहाँ न्याय प्रधान जीवन यापन होना चाहिए, इसका संदेश देते हुए ये बात यहाँ कही गई है। भाग 9 10 में जाइए, 10 में नालंदा विश्वविद्यालय, एक उसका प्रतीक चिन्ह है और एक वहाँ का अंदर का दृश्य है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में अभी हमारे डॉक्टर नंदकिशोर जी भी कहकर गए हैं कि आगे चलकर विश्वविद्यालयों पर आक्रमण हो और उसको जला दिया जाए, ऐसी स्थिति न आए, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।
तो वो स्थिति आने से पहले हमें पहले तो नालंदा को स्थापित करना पड़ेगा जो ध्वंस हो चुका है, और इसलिए नंदलाल बोस यहाँ कहते हैं कि अब गुरुकुलीन व्यवस्था को अगर ठीक करना हो तो नालंदा का अनुकरण हमें करना होगा, और इसलिए नालंदा का अनुकरण करने की आवश्यकता है। और ये बात अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों तक भी पहुँचाना जरूरी है, उनके भी समझ में आ जाए कि इसकी क्या आवश्यकता है। केवल पढ़े लिखे बड़े बड़े अच्छे संपन्न लोग वही जाने, ऐसा नहीं है। तो जो अनजान है उन तक बात पहुंचानी है, तब इसकी रक्षा हो पाएगी। इस प्रकार से करते हुए अब भाग 11 में एक चित्र है एक घोड़े का, यह है अश्वमेध यज्ञ। उन दिनों अश्वमेध यज्ञ ऐसा हुआ करता था कि जो राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और ये समझता था कि मैं सबको अभयदान देकर उनको अपने अंदर में रखूंगा, छत्र छाया में रखूंगा, वो एक अश्वमेधी घोड़ा उसको सजाकर और अपनी सेना के साथ भेजता था। युद्ध होते थे, उसमें जो जीत गया वो उसको उसी घोड़े को आगे लेकर चलता था। तो इस प्रकार का अश्वमेधी यज्ञ जो है उसके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधना और किसी एक का प्रभुत्व सबने स्वीकार करना, ये एक परंपरा थी। उसी परंपरा को संघ और राज्यों के बीच के संबंध ये कितने अच्छे होने चाहिए जो उन दिनों हुआ करते थे। अब उन दिनों युद्ध एक अनिवार्य बात थी, अनिवार्य युद्ध होते थे, युद्धों के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित की जाती थी। और भाग 12 करके आज का विषय समाप्त करेंगे। जो बात मैंने कही थी कि स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है, वो यहाँ देख लीजिए। ये नटराज खंडित इसलिए हुए कि उनको ऐसे खड़ा करना पड़ा, जबकि जगह दी गई थी ऐसी सोई हुई अड़ी जगह दी थी, खड़ी नहीं दी थी, लेकिन चित्र बनाने वाले ने खड़ा चित्र बना दिया और इसलिए फिर जगह की कमी के कारण उनको मैनेज करना पड़ा। तो इधर ये चित्र खंडित हो गया और वो ढांचा सांचा जो है उल्टा बना, सीधा बन गया, इसलिए उल्टा चढ़ गया। तो एक बार जरा वो स्वस्तिक दिखाइए, स्वस्तिक उस तरफ होने वाला। हाँ, ये उल्टा स्वस्तिक जो है, इसके जैसी बात किसी के सामने रखी मैंने तो सबने कहना शुरू किया कि अच्छा, मतलब जो नाजी की गड़बड़ हुई थी, नाजी ने जो गड़बड़ की, हिटलर ने, तो मुझे फिर हिटलर को पढ़ना पड़ा कि हिटलर ने क्या गड़बड़ की थी। तो हिटलर ने तो कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं की थी, उसने तो केवल स्वस्तिक को घुमा दिया था, ऐसे प्लस को न करके उसको क्रॉस में कर दिया था, लेकिन सीधा ही रखा था क्लॉकवाइज। यहाँ तो एंटी क्लॉक हो गया एकदम। स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है इसका कहीं चित्र आया होगा, इसमें जरा दीप देखिए तो अगले इसमें है क्या? नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है। ये जो मेरी पुस्तक है उसमें है, उस पुस्तक में स्वस्तिक, सीधा स्वस्तिक क्या है, उल्टा स्वस्तिक क्या है, और हिटलर ने जिस स्वस्तिक को स्वीकार किया था वो स्वस्तिक क्या है। तो हिटलर का स्वस्तिक ऐसे क्रॉस पर बनाया हुआ स्वस्तिक है, असली स्वस्तिक ऐसे प्लस चिन्ह पर बनता है, क्लॉकवाइज होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बन गया है। तो ये अशुभ है, उल्टा है। और बंगाल में एक परंपरा ऐसी है कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने कुछ अपनी विनती रिक्वेस्ट वो रखते हैं वो, और उल्टा स्वस्तिक अंकित करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी बात मान लोगे तो आकर सीधा कर दूंगा। तो हो सकता है नंदलाल बोस ने शायद ये भी सोचा हो कि जब हमारी संपन्नता आ जाएगी तब इसको सीधा कर देंगे, अभी तो है नहीं, अभी तो हम गुलाम हैं, गुलाम से मुक्ति हो रहे हैं। यहाँ कोई बंगाल के कोई है क्या, बांग्ला भाषी की वाचे की? हाँ नहीं है कोई? अरे बोलिए ना, है तो नहीं है? अच्छा, कोई महाराष्ट्र से मराठी भाषी? नहीं। असम से है? अरे भाई, सब लोग बड़े डरे सहमे से रहते हैं, ऐसे से कैसे होगा? बी ओपन, बी फ्रैंक, बताइए ना कोई। हाँ ना, कुछ तो बोलिए।
बंगला भाषी कोई नहीं है? कौन है? हाँ, की नाम है? अंजरा अंतरा की टाइटल? हाँ, ओ अंतरा मैंने ठीक है। कौन क्लास है? की पढ़ो? और कोई नहीं है? असमिया भाषी नहीं है? मराठी भाषी नहीं है? कोई नेपाली नहीं है? चलो ठीक है। तो अब मैंने जितना बताया है इसके आधार पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज इतना ही, यहीं तक चलेंगे हम, और बाद में अगर मुझे बुलाया जाए तो अगला विषय बताऊंगा, अगले चित्रों के बारे में। है किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ बताइए। क्या करना है? हनुमान जी का अनुकरण कुबेर ने किया, तो आप चाहे हनुमान जी का अनुकरण करिए चाहे कुबेर का करिए, बात एक ही है। रिस्क लेना, छलांग लगाने का मतलब है रिस्क लेना। हनुमान जी ने छलांग कब लगाई थी जो हम सब जानते हैं? वैसे तो कई बार छलांग लगाए हुए, लेकिन एक छलांग जो उन्होंने लगाई जब सीता जी को खोजना है उसके लिए किसी को पहले जाना होगा लंका और जाकर कंफर्म करना होगा कि यस सीता इज देयर। तो ये काम कौन करेगा? तो भगवान राम सबसे कह रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, बड़ा कठिन काम है, कौन करेगा? नहीं हो सकता। जाम्बवान तो वहाँ बैठे थे, सबसे वयोवृद्ध, उन्होंने कहा कि हे भगवान ये ऐसा कहने से नहीं होगा। वो जो कोने में चुपचाप बैठा है ना, वो अपने आप को भूल जाता है, उसे केवल उसको याद दिलाना होगा कि तुम क्या हो। वो याद दिलाते ही वो सब कर देगा। बोले अच्छा कौन है वो? बोले हनुमान। भूल जाता है अपने आप को, एक बार याद दिला दीजिए उसको। बस ये गए कौन ही आनत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, बाल समय रो विभक्ष की हो तब तीन हो लोक में अंधियार हो। आर हनुमान जी जागने लगे। बोलिए अब क्या करना है? बोले बस छलांग लगाओ और देख कराओ सीता ये है कि नहीं। बस इतना सा काम है, अभी जाता हूँ। लगा दी छलांग। रास्ते में एक जादूगरनी थी, जादूगर कहिए या वैज्ञानिक कहिए, जो उड़ती हुई चीज की छाया को पकड़कर उसको नीचे उतार लेती थी। आज का विज्ञान अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन पहुँच जाएगा। तो उसने छाया को पकड़ा, हनुमान जी नीचे गिर गए। क्या हुआ? अरे तब देखा इन्होंने कि ये तो ऐसी बड़ी मायावी है, तो इस मायावी के साथ मायावी ढंग से काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है, क्यों मुझे नीचे उतारा? बोले मैं खाऊंगी, कहाँ जा रहे हो, लंका क्यों, कैसे जाने दूंगी? बोले अच्छा तुम खाओगी, लोग कैसे खाओगी, देखो अपना शरीर बड़ा किया। उसने भी अपना मुंह बड़ा किया, फिर उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया। ये विद्या थी उनके पास, योग शास्त्री योग थे, योगी थे। तो फिर उसने भी मुंह बड़ा किया, तब इन्होंने देखा कि अब ये मुंह बंद करते करते तो मैं इसके अंदर जाके निकल कर भाग भी जाऊँगा। जट से वो छोटे बन गए, मुंह में अंदर घुस गए और ये मुंह बंद करके उससे पहले छलांग लगा कर चले भी गए। तो ये जो एक माया जाल था, यानी इसको एक प्रतीकात्मक तौर से बताया गया है, माया जाल था। उस माया जाल में से छोटे कीड़े बनकर निकल गए और फिर बाद में छलांग लगाकर आगे बढ़ गए। तो ऐसे थे हनुमान जी, रिस्क लेते थे। तो रिस्क लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए किसके मन मन में? जो अर्थ का संचालन करता है, इसलिए कुबेर को इस रूप में दिखाया गया है। यही प्रश्न था या और कुछ जानना चाहते थे? हाँ और कोई प्रश्न? उधर हाथ उठाया। ओ नहीं मेरे लिए नहीं।
बस ठीक है। हाँ उसमें चित्र क्यों नहीं दिखाए जाते? हाँ वही तो बताया ना मैंने, जैसे स्वामी विवेकानंद के वस्त्र सुरक्षित रखे गए हैं, उसको जाकर कोई छूता है क्या? ये उनके स्थाई के नहीं, जरा देखने दीजिए हमको स्वामी विवेकानंद के है कि नहीं, या किसी भी महापुरुष का कोई रखा हुआ है तो उसको इसी ढंग से रखा जाता है कि भाई ये श्रद्धा के तौर पर रखा है, उसको सुरक्षित रख के प्रणाम करो। तो इन चित्रों के बारे में यही सोचा गया था कि उनको सजाने के लिए दिया गया है, सजा कर उन्होंने रख दिया है, उसको अब छूना नहीं, सजा कर रखा हुआ है। और इसमें जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, नए नए संविधान बन रहे हैं, छप रहे हैं, उसमें वो टेक्स्ट आता रहेगा, चित्र तो केवल सजावट के लिए थे। यही बात जब इन्होंने कही, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने, और जब मैंने उनसे कहा कि नहीं केवल सजावट नहीं है, उसका भी कुछ अर्थ है, तब उन्होंने भी स्वीकार किया कि अरे तब तो छप कर आना चाहिए। तो इसलिए अब तक छप कर नहीं आए, इसका कारण यही है कि केवल सजावट वाला मामला है, क्यों इसको सजाए? ये अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे लोग, और टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं है जो जज कहते हैं कि टेक्स्ट पढ़कर हम न्याय देते हैं तो मन नहीं मानता, इसलिए उसको भी टालते हैं। तो इसका मतलब नंदलाल बोस ने वास्तव में संविधान की आत्मा को अंकित किया है इन चित्रों के माध्यम से, कि इसके पीछे का स्पिरिट क्या है वो समझो, और उस स्पिरिट के आधार पर हम निर्णय देंगे तो उस स्पिरिट के अनुसार निर्णय भी अपने मन के अनुकूल होगा, और उस स्पिरिट को समझे बिना हम निर्णय देंगे तो दुविधा रहेगी। तो इसलिए उस स्पिरिट को समझे, इसलिए ये चित्रों का महत्व है। बस और कोई प्रश्न? वैसे हाँ अब ऐसा है कि वो तो बंद करके रखा हुआ है, इसलिए जो छपेगा उसमें रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको तो बदल नहीं सकते, ओरिजिनल में जो है वो है, इसलिए जो छपेगा, यही मैंने सुझाव दिया है कि अब जब छपेगा तो तकनीकी भूल मानते हुए उसको सीधा कर दिया जाना चाहिए, और नटराज को खंडित अवस्था में नहीं रखना चाहिए। और जैसा मैंने चित्र बताया था, हस्ताक्षर करते हुए लंबा हस्ताक्षर, और उसके बाद जो फ्रेम बनाई तो हस्ताक्षर को सुरक्षित किया गया, यहाँ वो कर नहीं पाए, जिसके भी जिम्मे फ्रेम बनाने का काम था वो उसको सुरक्षित रख सकता था, फ्रेम को काट कर उसको सुरक्षित रख सकता था, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आया, चलो काट दो इसको, काट दिया उन्होंने, और वो स्वस्तिक उल्टा का उल्टा ही रह गया। इसलिए उसको अब जब छपेगा, जब भी कर कभी, और ये बात राष्ट्रपति जी तक भी पहुंची थी उन दिनों, तो राष्ट्रपति ने तो बड़े सहज भाव से कहा था कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम ठीक करवा देंगे, लेकिन बाद में जब बात आई होगी कि इसको ठीक करवाना हो तो बड़ा पेचीदा मामला है, लोकसभा में रखना पड़ेगा, लोकसभा में इसका सम्मति लेनी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर ये होगा, इसलिए अभी इसको रहने दो, हो सकता है ऐसा भी हुआ। लेकिन मेरे इस संविधान की पुस्तक का विमोचन होने के दूसरे ही दिन इंद्रेश जी, जो संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक है, वो उस समय के राष्ट्रपति कोविंद जी से मिलने गए थे, और उस समय उन्होंने उनसे कहा कि कल ही मैं पुस्तक का विमोचन करके आया हूँ, और भारत जी ने ऐसी ऐसी पुस्तक लिखी है, बड़ी अद्भुत है, तो उसमें लेकिन ये गलती हुई है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुरंत पुस्तक भेजो मेरे पास, मैं देखता हूँ। दूसरे ही दिन मैंने वो पुस्तक भिजवा दी राष्ट्रपति भवन में, और उनकी ओर से ये समाचार भी आया कि इसको अमेंड करने की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया, उसका कारण पेचीदा है मामला। बस और कुछ? ठीक है जी। वैसे अगर दोबारा मैं आता हूँ, अगर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि बी इंटरैक्टिव, बी ओपन, ऐसे डरे हुए सहमे हुए लोगों के सामने भाषण देने में मज़ा नहीं आता, बी फ्रैंक, बोलिए, हमसे बात करिए, प्रश्न पूछिए, अपने मन की बात बताइए, तब बात आए, बात में आनंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय सर, आपके द्वारा भारत के संविधान में अंकित चित्रों का नंदलाल बोस जी के चित्रकली के माध्यम से जो विस्तार पूर्वक
उद्देश्यों एवं संदर्भ का आपने वर्णन किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रों के वर्णन के साथ साथ जो संविधान की जन्म कथा के बारे में कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में जो आपने बताया है उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वह आपका धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर दीपा कौशिक मैम को स्टेज पर वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगी। I, Dr. Deepa, take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Guest Speaker of the Day, Sri Lakshmi Narayan Bhallaji, Trustee National Journalism Welfare Trust, Samarth Trust, Ramayana Research Council. So we are blessed to have you with us on this day, on this very apt day of 15th May that is celebrated as International Day of Families across the world. So Antarashtriya Parivar Divas. As we all know that family is a fundamental unit of a society. So this is the perfect day to talk about, to know about the fundamental law of land, that is Constitution of India. Joki sir ne ek chitrik madhyam se hame prastut kiya, that is a picturesque presentation of Bharat ka Samvidhan, ek pradarshni. Thank you so much, sir. It was a wonderful academic feast for all of us, wherein you rightly correlated the approach of correlating perspective of a student with Eklavya and Arjuna. Sir, you rightly quoted Swami Vivekananji that manifestation of perfection in a person is through education. We feel honored to have you with us as one of the writers, one of the editors of the Constitution who rectified two major pictures that rightly mentioned and questioned by one of the students about Khandit Natraj and Ulta Swastik. So hopefully it will be amended soon in the upcoming copies of our constitution. Sir, I would like to mention that ideas of equality, socialism and non-violence propounded by Maharaja Agrasen many years ago form the spirit of the present constitution of India. And it lies upon us, as you guided and even our chairperson sir mentioned, that it lies upon us now to adopt these ideals in our lives as a tribute to our progenitor, as a tribute to Maharaja Agrasen, as a tribute to the framers of Indian Constitution, Hamare Samvidhan ke Rachaitakar. Nothing is achievable without the blessings of our elders. So I extend my vote of thanks to our chairman sir, Dr. Nand Kishoreji, for sparing his valuable time and blessing our students by sharing his rich insights. I extend my vote of thanks to honorable members of management committee, trustees of the society. A heartfelt gratitude to the director MAIMS, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, for always being there as a pillar of support and motivation to us. I thank HOD Law Department, Dr. Praveen Kumar Gupta, our torchbearer, for always guiding and supporting us. Thank you, sir. I thank my faculty coordinators, Dr. Shridul, Mr. Deepak, Ms. Purnima, Dr. Anuradha, Dr. Nirdosh, Ms. Arushi, Ms. Ritika, Mr. Surya, Ms. Meenakshi, for managing the event so well. I also thank our student coordinators, Aditi, Prableen, Samriddhi, Sanya, for the wonderful coordination. I also thank all the faculty members, students of Law Department present here for being such a wonderful audience and patient listener. Thank you all once again, concluding with the national slogan of Indian Constitution, Satyameva Jayate and Samvidhan Sarvopari. Thank you all.